नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z Study में और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सिक्स मैथ की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर थ्री नंबर प्ले तो दोस्तों ये चैप्टर है ये मेरे हिसाब से इस बुक का सबसे ज़्यादा ईजी सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है ठीक है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है अभी इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग समझेंगे और फिर जो फिगर फिगरड आउट के क्वेश्चन हैं उनको भी फटाफट लगा लेंगे तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग इस चैप्टर को लगाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे कमाल के वीडियोस मिलते रहें सुपर सेल तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग सुपर सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो सुपर सेल्स हैं ये आखिर में होते क्या हैं तो देखिए सुपर सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी है सुपर सेल्स ये मेरे वो नंबर्स होते हैं जिनके अगल बगल के नंबर इनसे क्या हो छोटे हों जैसे कि यहाँ आप इमेज में देखो यहाँ आप देख सकते हो कि ये मेरा कौन सा नंबर है सेवनटी नाइन ठीक है और सेवेंटी नाइन मेरा सेवेंटी फाइव से भी बड़ा है और फोर्टी थ्री से भी बड़ा है बड़ा है कि नहीं बड़ा है क्या सेवनटी नाइन मेरा इन दोनों नंबरों से बड़ा है हाँ या ना बताइए बड़ा है ना तो बस सेवेंटी नाइन मेरा क्या हो गया सुपर सेल हो गया ठीक है इसी तरीके से देखो ट्वेंटी नाइन यहाँ पर ट्वेंटी नाइन जो है ये मेरा ट्वेंटी एट और टेन दोनों से ही बड़ा है तो ये भी क्या हो गया सुपर सेल हो गया अच्छा यहाँ पे देख लो ये क्या है सिक्सटी थ्री क्या ये टेन से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है लेकिन क्या ये सेवनटी फाइव से बड़ा है नहीं ये सेवनटी फाइव से बड़ा नहीं है और यही रीज़न है कि ये सुपर सेल नहीं है कोई भी नंबर मेरा सुपर सेल तब होगा जब ये अपने अगल बगल दोनों ही नंबरों से क्या होगा बड़ा होगा अच्छा इसका एक एक्सेप्शन होता है एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर कोई नंबर मेरे लास्ट में है ठीक है जैसे कि ये वाला नंबर थर्टी फोर ये क्या है मेरे लास्ट में है क्या इधर कोई नंबर है नहीं है ना इधर कोई नंबर नहीं है तो उस केस में हम लोग सिर्फ इसी नंबर को देख लेते हैं कि क्या यह नंबर इससे बड़ा है या छोटा है ठीक है तो यहां देखो ट्वेंटी एट क्या यह थर्टी फोर से मेरा बड़ा है कि छोटा है बताओ ट्वेंटी एट है मेरा छोटा मतलब कि थर्टी फोर क्या हुआ बड़ा हुआ मतलब ये हो गया सुपर सेल ठीक है सेम चीज यहां पर भी है यहाँ देखो फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन पहले लेते हैं चलो पहले टू हंड्रेड से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो टू हंड्रेड इसके बगल में है फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन क्या टू हंड्रेड से बड़ा है नहीं ये सुपर सेल नहीं होगा फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन लेते हैं क्या ये टू हंड्रेड से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है लेकिन इसके बगल में क्या है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स छः सौ छब्बीस ये तो बड़ा हुआ तो क्या ये सुपर सेल हो सकता है ये भी सुपर सेल नहीं हुआ अब छः सौ छब्बीस लेते हैं तो छः सौ छब्बीस फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन से भी बड़ा है और थ्री हंड्रेड फाइव से भी बड़ा है तो ये क्या हो गया ये हो गया सुपर सेल ठीक है इसी तरीके से हम निकालते हैं और यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो लिखा है 198 नाइन्टी यहाँ कोई भी नंबर नहीं तो हमने इसी वाले को ले लिया तो क्या 198 109 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है तो ये हो गया आपका सुपर सेल्स ठीक तो समझिए सुपर सेल क्या है हमारी जो पहली एक्सरसाइज या फिगर इट आउट है वो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है तो चलो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है कलर और मार्क द सुपर सेल इन दैट टेबल बिलो मतलब नीचे की जो ये, ये जो टेबल है इसमें आपको सुपर सेल को क्या करना है मार्क करना है तो सबसे पहले देखो पहला नंबर क्या है छः हजार आठ सौ अट्ठाइस इसके इधर कोई नंबर है नहीं है छः सौ सत्तर कैसे छोटा है बिल्कुल छोटा है मतलब सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी एट बड़ा हुआ मतलब ये हो गया सुपर सेल ठीक है फिर अगले नंबर पर आओ क्या है सिक्स हंड्रेड सेवेंटी भाई ये तो सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी एट से ही छोटा है तो ये तो सुपर सेल हो नहीं सकता अब आते हैं नाइन थाउजेंड वाले पे तो नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी फाइव इससे बड़ा है बिल्कुल क्या ये थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड से बड़ा है बिल्कुल तो ये भी क्या हो गया सुपर सेल हो गया ठीक है ऐसे ही थ्री थाउजेंड वाले पे आ जाओ तो भाई ये नाइन थाउजेंड तो इससे बड़ा हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता इसको भी छोड़ दो नेक्स्ट है मेरा थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट तो ये तो सेवन हंड्रेड एट्टी वाले से भी छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता ठीक है फिर सेवन थाउजेंड वाले पे आते हैं तो सेवन थाउजेंड वाला ये जो है ये मेरा थ्री थाउजेंड से तो बड़ा है बट एट थाउजेंड से छोटा तो ये भी नहीं होगा अब आते हैं एट थाउजेंड वाले पे तो एट थाउज़ेंड वाला मेरा ये सेवन थाउजेंड इससे भी बड़ा है और फाइव थाउजेंड वाले नंबर से भी बड़ा है तो क्या ये सुपर सेल हुआ बिल्कुल हुआ ठीक है फाइव थाउजेंड वाला क्या सुपर सेल हो सकता है नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि एट थाउजेंड तो इससे बड़ा है ना तो ये तो हो नहीं सकता है। लास्ट है फिफ्टी टू यहाँ कोई भी नंबर नहीं है बट यहाँ पे फाइव थाउज़ेंड है क्या ये फ़ाइव थाउजेंड से बड़ा हुआ कैसे हो सकता है भाई ये तो फिफ़ी टू है पाँच हज़ार से कैसे बड़ा हो सकता है हो ही नहीं सकता है तो इस क्वेश्चन में मेरे कितने सुपर सेल हैं तीन सुपर सेल हैं कौन कौन से सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी और एट थाउजेंड ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आइए क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं तो क्वेश्चन टू क्या कह रहा है फिल द टेबल बिलो विथ ओनली फोर डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली दी कलर्ड सेल्स बहुत आसान है क्या कह रहे हैं कि आपको नीचे ये जो मेरी टेबल दे रखी है इसमें चार डिजिट वाले यानी चार संख्या वाले नंबर्स लिखने हैं चार संख्या वाले नंबर्स कौन से वो नंबर्स जो कि चार संख्या से ज़्यादा ना हो ठीक है एक दो तीन चार ऐसे चार संख्या से क्या हो ज़्यादा ना हो और हमें वो इस तरीके से भरने हैं कि जो कलर वाला बॉक्स है ना उसमें सुपर सेल आए ठीक है मतलब पहले मुझको क्या करना है पहले तो मुझको फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स के बगल में जो कलर बॉक्स है उसमें एक ऐसा नंबर डालना है जो कि फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सॉरी थ्री हंड्रेड फोर्टी सिक्स से क्या हो बड़ा हो ठीक है तो इसके लिए आप कोई भी नंबर चुन सकते हो एक काम करो इसके बाद का अगला ही नंबर चुन लो या फिर छः हज़ार चुन लो आपकी इच्छा चलो छ हजार लेते हैं लेते हैं छ हजार ठीक है ले लिया छः हज़ार अच्छा अब नेक्स्ट नंबर क्या भरो नेक्स्ट नंबर छः हजार से कम होना चाहिए लेकिन देखो आप ऐसे कोई भी नंबर उठा के नहीं इसमें भर सकते हो क्यों मान लो आपने ले लिया यहाँ पे चार हजार मैं कह रहा हूँ अभी मान लो चार हजार ले लिया इस कंडीशन में छः हज़ार वाला यानी ये तो सुपर सेल हो जाएगा बट जरा इसके बगल में देखो क्या ये बारह सौ अट्ठावन ये भी सुपर सेल है है कि नहीं है मतलब गला नंबर क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए किससे बारह सौ अट्ठावन से भी तो एक काम करो इसको ले लो बारह सौ इसको ना बारह सौ ही ले लो कितना ले लो बारह सौ ले लो ठीक चलो अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर भर सकते हो बस ये बारह सौ अट्ठावन से काम होना चाहिए तो यहाँ पर ग्यारह सौ ले लो ठीक है अब यहाँ कोई भी नंबर भरो कोई दिक्कत नहीं है ये चार एक हो गए इसको मैंने दो दो, दो दो ऐसे भर लिया क्योंकि कहीं आसपास सुपर सेल है नहीं चलो अब लास्ट पे हम लोग आ गए हैं अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरा एक नंबर लिखा है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव अब मुझे अगर यहाँ पे सुपर सेल भरना है इस वाले में तो मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे भरना होगा जो कि नौ हज़ार छः सौ पैंतीस से ज़्यादा हो तो आप किसी को भी ले सकते हो एक काम करो नौ हज़ार छः सौ है नौ हज़ार सात सौ ले लो तो नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड हो गया 9700 ये 100 है रुको अलग देता हूँ मैं नाइन ठीक है हो गया चलिए क्वेश्चन थ्री पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मैनी सुपर सेल एज पॉसिबल यूज नंबर्स बिटवीन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड विदाउट रेपटेशन बहुत आसान है क्या कह रहे हैं कि आपको नीचे की जो ये टेबल है इसको ऐसे भरना है कि हम जितने हो सके ठीक है जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सुपर सेल इसमें हम बना सकें ठीक है ना और जो नंबर्स हैं वो आपको सौ से लेके एक हज़ार के बीच के चुनने हैं तो सबसे पहले तो दे, देखो, देखो नंबर नहीं चुनते हैं सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितने सुपर सेल इसमें आ सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करो क्या ये वाला बॉक्स सुपर सेल बन सकता है बिल्कुल बन सकता है अगर ये सुपर सेल है तो क्या इसका नेक्स्ट वाला सुपर सेल बन सकता है नहीं बन सकता है देखो इसमें ना एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि एक साथ एक साथ लगातार दो सुपर सेल्स नहीं आते हैं एक एक छोड़ के ही आ सकते हैं ठीक है तो अगर ये बॉक्स सुपर सेल बन रहा है यह नहीं बनेगा यह वाला बनेगा फिर यह नहीं बनेगा ये वाला बनेगा फिर यह नहीं बनेगा यह वाला, वाला बनेगा और फिर यह नहीं बनेगा यह वाला बनेगा ठीक है चलिए नंबर भरने की बारी आ जाए तो कुछ भी भर लो यहां पे यहां भर लो ट्रिपल नाइन ठीक नेक्स्ट वाले में काम करो भर लो आठ सौ इधर बोलो लो सात सौ इधर बढ़ लो पाँच सौ और इधर बढ़ लो छः सौ ठीक है अब मुझे क्या करना है अब मुझे जो बीच के बॉक्सेस है ना इनमें छोटा नंबर उठाना है ठीक है इनमें मुझे क्या करना है छोटा नंबर उठाना है और छोटा नंबर कैसा होना चाहिए वो जो कि नौ सौ निन्यानवे और आठ सौ दोनों से ही छोटा हो तो क्या ले लें यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या ले लें यहाँ पे काम करते हैं सात का कुछ लेते हैं सात लेते हैं कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ लेते हैं सात सौ पंद्रह सात एक पाँच हो गया सेम चीज़ यहाँ पे भी यहाँ पे आपको भरना है आठ सौ सात सौ से छोटा ठीक है तो छः सौ पचास ले लो छः सौ पचास देखो यहाँ पे ना आप कोई भी नंबर भर सकते हो जो ही नहीं जो मैं भर रहा हूँ वही भरो आपकी जो इच्छा है वो नंबर भरो कोई दिक्कत नहीं अब सात सौ पाँच सौ दोनों से ही कम चार सौ ले लो चार सौ ले लो ठीक है और पाँच सौ छः सौ दोनों से ही कम तो चार सौ ले सकते हो बट चार सौ एक बार आ चुका है तो हमें इसको रिपीट नहीं करना अब एक काम करते हैं चार सौ पचास उठा लेते हैं ध्यान लिख दो तो चार सौ पचास खत्म कहानी ये लो तैयार हो गया कि नहीं बन के तैयार हो गया हो गया ना तो उसमें कितने सुपर सेल हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच सुपर सेल आए ठीक है चलो क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है आउट ऑफ नाइन नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन अ टेबल अबव यानी कि ऊपर की जो क्वेश्चन थ्री वाली टेबल थी इसमें कितने सुपर सेल आए तो भाई इसमें पांच सुपर सेल आए थे कितने आए थे पाँच सुपर सेल आए थे नौ बॉक्सेस थे उसमें से पाँच सुपर सेल आए चलो क्वेश्चन फाइव पर आते हैं क्या कह रहे हैं फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स डू यू नोटिस एनी पैटर्न वॉट इज द मैथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी देखो जो अभी हमने क्वेश्चन तीन में करा ना वही सेम चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम किसी भी जो सुपर सेल की टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा सुपर सेल कैसे निकाल सकते हैं तो देखो बहुत आसान तरीका है अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई सबसे पहले तो स्टार्टिंग का जो बॉक्स है ना उसको सुपर सेल मान लो और फिर एक एक बॉक्स को छोड़ के अगला सुपर सेल बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ क्योंकि वैसे ही सुपर सेल पॉसिबल है अगर मैं कहूँ कि ये भी सुपर सेल हो जाए ये भी सुपर सेल हो जाए ये भी सुपर सेल हो जाए तो ये तो पॉसिबल ये तो संभव बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि भला आप ऐसा कैसे नंबर चुन सकते हो जो कि इससे बड़ा हो इससे छोटा छोटा फिर इससे इससे बड़ा ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं ऐसा तो होना संभव नहीं है तो भाई सुपर सेल आप कैसे कर सकते हो ऐसे ही कर सकते हो पहला बॉक्स सुपर सेल फिर एक छोड़ के ये बॉक्स सुपर सेल फिर एक छोड़ के ये बॉक्स सुपर सेल ऐसे तो यही है इसका रूल ठीक है तो रूल में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो ऐसे एक दो बाय चूजिंग अल्टरनेट बॉक्सेस कैन मेक मैक्सिम नंबर ऑफ सुपर सेल्स यही तो पूछ रहा था ना कि सुपर सेल बनाने का क्या मैथड हो सकता है तो ये इसमें लिख दो बाय चूजिंग बाय चूजिंग बाय चूजिंग अल्टरनेट ये जी है ठीक है अल्टरनेट 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 शब्द का मतलब होता है एक छोड़ के अगला ठीक है बाय चूजिंग अल्टरनेट बॉक्सेस we can get we can get इसके बाद में यहां देना मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स ठीक है बाय चूजिंग अल्टरनेट बॉक्सेस वी कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स ठीक है दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन फाइव का आंसर चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर सिक्स इस पर आते हैं तो क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है क्वेश्चन सिक्स मेरा ये कह रहा है कैन यू फिल आ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट there आर नो सुपर सेल वाई और वाई Question क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आप सुपर सेल की किसी एक टेबल को ऐसे भर सकते हो जिसमें एक भी नंबर क्या हो रिपीटिंग नहीं हो मतलब एक भी नंबर रिपीट ना हो और उसमें एक भी सुपर सेल ना हो तो क्या आप ऐसे किसी भी बॉक्स को भर सकते हो किसी भी टेबल को ऐसे भर सकते हो तो जवाब है नहीं आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो एक ना एक सुपर सेल तो जरूर ही बनेगा ठीक है ना एग्जाम्पल देता मैं आपको जैसे कि इस वाले पे चलते हैं ठीक है और एक काम करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखता हूँ ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ क्या इनमें से कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है ना अच्छा आप देख लो सुपर सेल क्या एक सुपर सेल हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि टू बड़ा है क्या टू सुपर सेल हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि तीन बड़ा है क्या तीन सुपर सेल हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि चार बड़ा है सुपर सेल में क्या था दोनों नंबर मतलब दोनों जो आसपास के नंबर हैं वो क्या होने चाहिए छोटे होने चाहिए तो क्या ये छोटे हो रहे हैं कोई भी नहीं हो रहे है लेकिन आप लास्ट में चलो क्या न हो सकता है सुपर सेल बिल्कुल हो सकता है क्यों इधर तो नंबर है नहीं इधर तो नंबर है नहीं और आठे से छोटा यही तो है सुपर सेल कॉर्नर के लिए सुपर सेल बनने के की के लिए यही तो रिक्वायरमेंट होती है तो क्या सुपर सेल बन गया बन गया ना यही रीजन है यही रीजन है कि हम कभी भी कैसे भी आप टेबल क्यों ना बना लो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि भैया एक भी सुपर सेल ना आए एक ना एक सुपर सेल तो जरूर आएगा ठीक है तो यही है इसका आंसर वी आ, ऐसे लिख देना वी कैन नॉट मेक अ सुपर सेल टेबल ऐसे लिख दो वी फिर लिख दे देना कैन नॉट कैन नॉट मेक वी कैन नॉट मेक फिर यहां से लिख दो सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देर आर नो सुपर सेल्स ठीक ये लिख देना यहाँ से स्टार्ट करना वी कैन नॉट मेक फिर यहां से शुरू हो जाना सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स ठीक है रीजन में चाहो तो ये ये लाइन लिख सकते हो बिकॉज एवरी टाइम यू ट्राई टू मेक अ टेबल देयर वुड बी वन सुपर सेल एट लीस्ट ठीक चाहो तो ये ऐड कर सकते हो रीजन में चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है विल दी सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी सुपर सेल कैन दी सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल वाई और वाई नॉट बहुत आसान है क्या कह रहा है कि अगर कोई टेबल है उसमें जो लार्जेस्ट नंबर है लार्जेस्ट का मतलब होता है, सबसे बड़ा नंबर क्या वो हमेशा सुपर सेल होगा तो चलो भाई टेबल पे चलते हैं अच्छा क्वेश्चन का ना एक दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन ये आ, का दूसरा पार्ट ये कह रहा था कि क्या उस टेबल का सबसे छोटा नंबर क्या वो सुपर सेल हो सकता है तो दोनों का ही मैं जवाब दूंगा ठीक है तो पहले लार्जेस्ट वाले कर लेते हैं मान लो चलो कोई भी नंबर ले लो ऐसे एक दो पाँच आठ दस तेरह तीन चार सात ठीक मैंने रैंडमली आगे पीछे ऐसे नंबर कोई भी भर दिए अब देखो इसमें सबसे लार्ज है सबसे बड़ा नंबर कौन सा तेरह है क्या ये सुपर सेल है बिल्कुल क्यों इधर तीन है इधर दस भैया लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा है कि नहीं सबसे बड़ा का मतलब क्या हो गया वो नंबर जो कि टेबल में सबसे ज़्यादा बड़ा है मतलब बाकी नंबर इससे छोटे हैं सुपर सेल की भी तो ये डेफिनेशन होती है आसपास के नंबर क्या होने चाहिए छोटे होने चाहिए यहाँ तो सारे ही छोटे हैं कहीं भी रखो ये सुपर सेल ही रहेगा तो क्या ये सुपर सेल है बिल्कुल है तो किसी भी टेबल का जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमेशा सुपर सेल रहेगा चलो अब आते हैं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर वाले पे तो भाई कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट इस है वन। क्या वन सुपर सेल हो सकता है नहीं क्यों भाई स्मॉलेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है सबसे छोटा और सुपर सेल की डेफिनेशन क्या है कि नंबर जो है वो आसपास के नंबर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए लेकिन यहाँ तो हमने ही बोल दिया कि भाई स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा है तो क्या बड़ा हो सकता है हो ही नहीं सकता तो क्या स्मॉलेस्ट नंबर कभी सुपर सेल बन पाएगा कभी नहीं बन पाएगा तो यही इसका आंसर है क्या है इसका आंसर आप रुको तो फिर से क्वेश्चन से ढूंढ के करा देता हूं ज्यादा लिख, लिखना नहीं पड़ेगा आप लोग को ऐसे लिख लो द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर फिर लिख देना ऐसे विल ऑलवेज बी विल ऑलवेज बी सुपर सेल यहां से आ सुपर सेल ठीक द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर फिर इधर से विल ऑलवेज बी आ सुपर सेल ठीक है और छोटे के लिए भी ऐसे लिख सकते हो तो आप द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया अच्छा इना टेबल भी है इना टेबल मत लिखो ज्यादा लंबा हो जाएगा द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नेवर बी कैन Never be, फिर यहाँ से आ सुपर सेट कैन नेवर बी अ सुपर सेट अच्छा रीजन के लिए बोल रहा है तो रीजन अभी मैंने आपको बता दिया कि सुपर सेल की डेफिनेशन ही कहती है कि सुपर सेल वो नंबर होते हैं जो कि अपने आसपास के नंबर से बड़े हों तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो तो सभी से बड़ा है तो ये सुपर सेल होगा बट ऑन दी अदर हैंड स्मॉलेस्ट आर नॉट गोइंग टू बी सुपर सेल वाई बिकॉज द डेफिनेशन से इज दैट अ सुपर सेल इज अ नंबर विच इज़ लार्जर ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है तो क्या स्मॉलर वाला होगा सुपर सेल नहीं इट कैन नीपर सेल बिकॉज इट डिट द डेफिनेशन ऑफ सुपर सेल ठीक है ऐसे लिख देना खत्म या फिर रीजन यार मत भी लिखो रहन दो बहुत बड़े बड़े रीजन हो रहे हैं इतना भी लिख दो ना सही है क्योंकि इनमें ही रीजन है भाई जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना यही रीजन ही है ज्यादा बड़ा लिखनी जरूरत नहीं बस इतना ही लिख दो यहां से पहले तो ये द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी द सुपर सेल फिर यहां से द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नेवर बी अ सुपर सेल खत्म कहानी बस ज्यादा पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है चलिए क्वेश्चन एट पर आते हैं क्या कह कह फिल अ अ अ टेबल दैट सेल सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट सुपर भैया टेबल को ऐसे भर दो कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो क्या हो सुपर सेल ना हो तो ये बहुत ही आसान है ये बहुत ही ज्यादा आसान रुको दिखाता हूं भर के इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है जो लार्जेस्ट नंबर है ना उसको सेकंड लार्जेस्ट के बगल में रख दो बस खत्म खा खानी लार्जेस्ट को सेकंड लार्जेस्ट के बगल में रख दो अब देखो तुमको बताता हूँ स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यहाँ रख देते हैं एक दो और लार्जेस्ट लेता हूँ मैं चलो पंद्रह सेकेंड लार्जेस्ट लेता हूँ चौदह इसको मैंने बगल में रख दिया अब अपनी मर्जी से कहीं पर कुछ भरो आठ सात छ तीन आ, एक दो हो चुका है ना चार चलो अब देखो लार्जेस्ट नंबर कहाँ है पंद्रह क्या ये सुपर सेल होगा बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि चौदह से भी बड़ा है छह से भी बड़ा है अच्छा सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है चौदह क्या चौदह सुपर सेल हो सकता है तुम ही बताओ क्या चौदह सुपर सेल हो सकता है नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि बगल वाला तो इसके बड़ा है हुआ कि नहीं हुआ तो अगर आपको ऐसी कोई क्वेश्चन ऐसा कोई टेबल तैयार करना हो जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं है तो भैया उसको लार्जेस्ट वाले के बगल में रख दो खत्म का नहीं ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व चलो इन पे आते हैं फिर अ टेबल दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज अ सुपर सेल इज इट पॉसिबल अब क्या कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज कह रहे हैं कि भाई अब आपको क्या करना है आपको टेबल ऐसे भरनी है जहां पे सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो क्या हो सुपर सेल ना हो ठीक है लेकिन सेकेंड स्मॉलेस्ट सुपर सेल हो बड़े आराम से हो जाएगी चलो करके दिखा देता हूँ अभी तो सेकेंड लार्जेस्ट कह रहा है सुपर सेल ना सेम चीज करो जो हमने पहले करी थी इसको बड़े वाले के बगल में रख दो तो सोलह मैंने बड़ा ले रहा हूँ और चौदह मैं सेकेंड लार्जेस्ट ले रहा हूँ ठीक है थेके? अच्छा अब ये कह रहा है सेकेंड स्मॉलेस्ट तो सेकेंड स्मॉलेस्ट अगर आपको सुपर सेल बनाना है बनाना है ना तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसको इन सेल्स के एक उसको इन टेबल्स के एकदम एंड में रखो कहीं पे भी एंड में तो यहाँ पे ऐसे मैं डाल देता हूँ टू ये क्या है सेकेंड स्मॉलेस्ट है अब स्मॉलेस्ट नंबर को इसके बगल में रख दो जो कि होने वाला है One. अब बाकी सब में आपकी जो इच्छा है भर दो एट सेवन फाइव सिक्स कर देते हैं ठीक है देखो क्या सेकेंड लार्जेस्ट सुपर सेल हो सकता है सेकेंड लार्जेस्ट है चौदह क्या ये सुपर सेल हो सकता है नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इसके बगल में जो सोलह है वो बड़ा है अच्छा सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट है एक तो सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ दो क्या सेकेंड स्मॉलेस्ट ये सुपर सेल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्यों इदा तो नंबर नहीं है और क्या ये एक छोटा है कि है। तो तो है, है नहीं होती है? है? होती है ना तो ऐसे आप कर सकते हो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोला है क्वेश्चन टेन ये कह रहा है मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज क्लासमेट्स यानी कि आपको क्या करना है पजल के और ऐसे वेरिएशन्स बनाने हैं ये दो बार आ गई है आ, अच्छा पजल की ना मैंने इमेज नहीं निकाली है वो भी ऐसे जो ऊपर के क्वेश्चन है ना वैसे ही है आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो गेम टाइप का आपकी इच्छा चलो तो नेक्स्ट अब हम लोग फिर से अगले फिगर इट आउट पे आ गए हैं इसके बीच में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो मुझे लगा कि आप लोग को पढ़ाने की जरूरत है ठीक है कोई भी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना मैं वो आपको सारे पढ़ा दूंगा ठीक तो परेशान मत होना चलिए फिगर इट आउट क्या कह रहा है आइडेंटिफाई द नंबर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजिशन बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो नंबर लाइन पे ये मेरे numbers भरे हैं आपको इनको क्या करना होगा आइडेंटिफाई करना होगा पहचानना होगा और बाकी जो खाली जगह हैं उनको भरना होगा जैसे कि यहाँ देख लो पहले वाले में लिखा है 2010 और यहाँ है 2020 तो 2010 से 2020 हो रहा है और बीस में एक लाइन छुट्टी हुई है तो सोचो कैसे नंबर चल रहे होंगे दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ सोचने की को कोशिश करो 2010 से 2020 हुआ ये बताओ 2010 से 2020 के बीच में कितने नंबर आएंगे दस नंबर आएंगे भाई 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 और 2020 आएंगे कि नहीं आएंगे आएंगे ना आएंगे ना बताओ आएंगे बिल्कुल आएंगे भाई बिल्कुल आएंगे भाई तो बीच में, में मेरा क्या आ सकता है बीच में क्या आ सकता है बीच में आ सकता है दो क्या जाएगा दो पंद्रह और ऐसे ही ये नंबर भरे जाएंगे 5-5 के बढ़ते क्रम में ठीक है तो ये 2020 है यहाँ हो जाएगा 2025 यहाँ हो जाएगा जीरो थ्री रुक जाओ अच्छे से लिखता हूँ ये गंदा गंदा हो गया थोड़ा तो ये हो गया आपका 2015 ये हो गया आपका 2025 2025 ये हो गया 2000 थर्टी और ये हो गया टू थाउजेंडर्टी फाइव देखो इसको पहचानना बहुत आसान है बस थोड़ा दिमाग का कर इस्तेमाल करो ठीक है अच्छा अब आगे के नंबर लेते दो हजार दस दो हजार दस से अब हम लोग आगे जा रहे हैं ठीक है तो अब क्या होगा दो हजार दस से पांच आगे चले जाओ कितना दो हजार पांच दो हजार पांच दो हजार पांच से और आगे पांच चले जाओ तो क्या हो जाएगा दो हजार इसे पांच आगे और चले जाओ तो क्या हो जाएगा चलो बी वाली बातें अब जो नंबर भरा है पहले तो उसको देख लो तो ये है मेरा 9906 9907 बड़ा आसान है छ से सात हो रहा है प्लस वन हो रहा है बस प्लस वन यानी एक ही नंबर बढ़ता जा रहा है चलो बढ़ा लेते हैं तो नाइन हाँ नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवन के बाद में क्या आएगा नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट अगर आपको ऐसे निकालने में दिक्कत हो रही है तो सब में प्लस वन करते जाओ 97 सेवन में प्लस वन करोगे तो नाइनटी एट हो जाएगा तो चलो लिख लेते हैं नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट क्या आ जाएगा नाइन अच्छा 99 में प्लस वन करोगे तो क्या आ जाएगा दस हज़ार क्या जाना है दस हजार ठीक है अब क्या हो जाएगा दस हज़ार एक दस हजार एक वन ठीक है आप क्या हो जाएगा दस हजार दो दस हजार दो ठीक चलो अब यहाँ माइनस वन होगा यहाँ पे क्या होगा माइनस वन क्योंकि आगे ना तो यहाँ पर प्लस वन करा था बढ़ाने के लिए पीछे नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं माइनस वन तो ये नाइनटीन नाइन्टी सिक्स है माइनस वन करोगे क्या आएगा नाइनटीन नाइन्टी फाइव नाइन थाउजेंड अरे अ मैं 1996 या 1995 बोल दिया ये आपका 9996 तो ये हो जाएगा 9995 ये हो जाएगा 9994 और ये हो जाएगा आपका 9993 ठीक है ये हो गया बी वाला भी कंप्लीट ठीक चलो सी वाले पे आते हैं सी वाला बड़ा ही आसान है इसमें भी क्या हो रहा है इसमें भी सेम चीज हो रही है देखो 77 78 क्या होता जा रहा है प्लस 1 होता जा रहा है तो चलो प्लस वन कर लेते तो सेवेंटी एट के बाद में क्या जाएगा पंद्रह हजार यानी फिफ्टीन थाउजेंड सेवेंटी नाइन फिफ्टीन थाउजेंड सेवेंटी नाइन रुक जाएगा गड़बड़ हो गया फिफ्टीन थाउजेंड वन फाइव जीरो सेवन नाइन ठीक है रुको मैं यहाँ अलग से दिखा देता हूँ बड़ा बड़ा ठीक है फाइव जीरो सेवन नाइन अच्छा अगला नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला ये इसमें प्लस वन कर दो तो जाएगा अस्सी पंद्रह हज़ार अस्सी यानी फिफ्टीन थाउजेंड एटी ये हो जाएगा एटी वन फिफ्टीन थाउजेंड एटी वन ये हो जाएगा एटी टू फिफ्टीन थाउजेंड एटी टू ठीक है एटी थ्री ऑलरेडी है इसके बाद में क्या आ जाएगा एटी फाइव तो फिफ्टीन थाउजेंड एटी फाइव सॉरी एटी फोर एटी फोर फिर आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड एटी फाइव ये हो गया एटी फोर ये हो गया एटी फाइव फिफ्टीन थाउजेंड एटी फाइव और पसंद हो फिफ्टीन थाउजेंड एटी सिक्स थाउजेंड एटी सिक्स ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अच्छा आप देखो क्या है? आ, यहां पे है यहां तो सिक्स हंड्रेड फाइव यहाँ है लास्ट के तीन नंबर सेम है कोई बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा है बदलाव किस में हो रहा है एट्टी सिक्स से एट्टी सेवन थाउजेंड हो रहा है बदलाव किधर हो रहा है एट्टी सिक्स से एट्टी सेवन थाउजेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है एटी सिक्स से एटी मतलब एक एक, एक हजार बढ़ रहा है तो एक हजार बढ़ा लो तो एट्टी सिक्स से एटी सेवन थाउजेंड अगला नंबर क्या हो जाएगा एटी एट थाउजेंड क्योंकि भैया थाउजेंड थाउजेंड बदला है कि नहीं बदला है? अच्छा और बाद के नंबर चेंज हुए नहीं हुए तो उनको एज एटेस लिख लो ये हो गया एटी एट थाउजेंड नेक्स्ट क्या है एटी नाइन थाउजेंड एटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव नेक्स्ट क्या है एटी नाइन में एक और जोड़ो हो जाता नब्बे हजार सात सौ पाँच फिर एक हज़ार और जोड़ो तो नाइन्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव फिर एक हज़ार और जोड़ दो तो 92,705. टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव ठीक अच्छा अब मुझे पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए हजार माइनस करना पड़ेगा सीधी सी बात है तो ये मेरा क्या है 86,705 सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव तो इधर का नंबर क्या हो जाएगा इधर का नंबर हो जाएगा एट्टी फाइव क्यों क्योंकि हजार माइनस किया तो एट्टी सिक्स में एटी सिक्स थाउजेंड में हज़ार माइनस करो येगा एटी फाइव थाउजेंड एटी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव क्या हो जाएगा एटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव और ये हो जाएगा एटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फाइव ठीक है दोस्तों चलो तो ये हो गया मेरा ये वाला भी फिगर एट आउट कंप्लीट अच्छा यहां पे क्या कह रहा है पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस अबाव बहुत आसान है कह रहा है ऊपर के जो मेरी सीक्वेंस है यानी कि ऊपर के जो मैं नंबर्स अभी सॉल्व करें आपको क्या करना है आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके उस पर सर्कल बना देना है और जो लार्जेस्ट नंबर है उस पर क्या बना देना है बॉक्स बना देना है तो अभी मैंने आपको ये सारे सॉल्व कराएं इसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो उस पर बॉक्स बना दो और सबसे छोटे वाले पे सर्कल ठीक है दोस्तों डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स तो देखो दोस्तों ये मेरा बहुत ही आसान टॉपिक है ठीक देखो कोई भी मेरा जो नंबर होता है वो किन से मिलकर बना होता है कोई भी मेरा जो नंबर है वो किन से मिलकर बना होता है वो बना होता है मेरे डिजिट से ठीक है जैसे कि मान लो एक मैं नंबर लेता हूँ फोर्टीन ठीक तो फोरटीन किससे बनाए फोर्टीन बना है वन से और फोर से है कि नहीं फोर्टीन किससे बना है वन से और फोर से अब अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो आंसर आएगा पांच और यही हो गया आपका डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स ठीक चलिए फिगर आउट डिजिट सम समीन ए राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट अप टू फोर्टीन बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ऐसे नंबर्स को लिखना होगा जिनके डिजिट को ऐड करने पे आंसर क्या है फोर्टीन यानी कि चौदह है क्या है फोर्टीन यानी कि चौदह है अच्छा डिजिट्स आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं जीरो से लेकर नौ तक जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ये सारे क्या होते हैं ये सारे मेरे डिजिट्स होते हैं और मुझे इन्हीं सभी डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे नंबर्स को लिखना है जिनको ऐड करने पे मेरा जो आंसर है वो क्या आए फोर्टीन आए तो चलो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे बड़ा डिजिट होता है नौ उसको ले लो अब दिमाग चलाओ कि मैं नौ में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि चौदह हो जाए तो जवाब है पाँच नौ पाँच कितना होता है चौदह होता है तो एक नंबर आपका ये बन गया ठीक है चलो नेक्स्ट डिजिट लेते हैं हम लोग एट आप सोचो एट में आप ऐसा क्या ऐड कर दो कि ये मेरा क्या बन जाए ये मेरा चौदह बन जाए तो आठ में छः जोड़ोगे तो हो जाता है चौदह ठीक है चलो नेक्स्ट डिजिट लेते हैं हम लोग सात सात में ऐसा क्या जोड़ दो कि चौदह हो जाए जवाब है सात सात में सात जोड़ोगे तो चौदह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट डिजिट मेरा छः छः में ऐसा क्या जोड़ दो कि ये चौदह हो जाए तो छः में अगर आप आठ जोड़ते हो तो क्या हो जाता है चौदह हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट क्या है फाइव ले लो फाइव में ऐसा क्या जोड़ दो कि चौदह हो जाए तो फाइव में अगर नौ जोड़ दोगे तो हो जाएगा चौदह ठीक ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हो इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको एक दो डिजिट तीन डिजिट ऐसा कुछ बनाना है तो आप जितने डिजिट्स का चाहो उतने डिजिट का नंबर बना सकते हो जिसको ऐड करने पे आंसर मेरा क्या है चौदह है फिलहाल अभी के लिए हम बस यही पांच डिजिट्स ले लेते हैं ठीक है तो ये हो गया एक आंसर बी वाला क्या कह रहा है वॉट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ फोर्टीन क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसका डिजिट सम क्या है फोर्टीन है तो स्मॉलेस्ट नंबर देख लो भाई इसमें कौन सा है सबसे छोटा है फिफ्टी फिफ्टी नाइन क्या इससे छोटा और कोई नंबर हो सकता है सोचो क्या इससे छोटा और कोई नंबर हो सकता है अगर मान लगे पाँच की जगह पर यहाँ पर चार लेता हूँ तो मुझे क्या चाहिए भाई चार में दस जुड़ोगे तभी तो चौदह होगा और अब अगर आप इसका सम करने बैठोग तो ये तो पाँच ही बनेगा है कि नहीं तो यही मेरा फिफ्टी नाइन ही क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका डिजिट सम क्या चौदह आएगा, आएगा चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वॉट इज द लार्जेस्ट फाइव डिजिट डिजिट सम इज फोर्टीन आप क्या कह रहे हैं लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर बताओ जिसका डिजिट सम क्या आए मेरा चौदह है तो देखो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी थी नाइन थी है कि नहीं इसके बाद में नाइन में क्या जोड़ोगे चौदह हो जाए पाँच हो जाए ठीक है अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है लार्जेस्ट फाइव डिजिट तो मुझे इसको फाइव डिजिट बनाना है कैसे बना सकता हूँ नाइन फाइव दो डिजिट हो गया ज़ीरो लगा दो तीन डिजिट हो गया जीरो लगा दो चार डिजिट और जीरो लगा दो पाँच डिजिट बस कुछ नहीं करना है यही आपका आंसर हो गया अगर कभी भी इस तरीके से बोला जाए कि कोई लार्जेस्ट नंबर बनाओ जिसका डिजिट सम क्या है कुछ आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है सबसे बड़े डिजिट नौ उसको लेना है और फिर सोचना है कि मैं नौ में ऐसा क्या जोड़ दूँ कि ये उस नंबर के बराबर आ जाए ठीक है उसको ऐड कर दो और फिर भी अगर आपको और ऐड करने की जरूरत पड़ रही तो और ऐड कर दो और अगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही तो बस जीरो लगा दो हो गया आपका काम पूरा और यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ करी नौ में पाँच जोड़ने पे चौदह आता है ठीक बाकी क्या मुझे अब यहाँ पे और कोई नंबर डालने की जरूरत है नहीं ज़रूरत है तो मैंने क्या करी तीन जीरो लगा दिए आप जीरो को तीन इसमें ऐड कर लो क्या आंसर बदलेगा नहीं बदलेगा ना चौदह ही रहेगा बस ये इसका आंसर हो गया चलो डी वाले पे आते हैं डी क्या कह रहा है हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम फोर्टीन कैन यू मेक एन इवन बिगन नंबर क्या कह रहा है कि भाई आप कितना बड़ा नंबर बना सकते हो जिसका डिजिट सम क्या है चौदह है तो देखो इसका तो बहुत बड़ा नंबर बना सकते हो क्योंकि भाई uh, आप ऐसे भी तो ले सकते हो ना वन दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह क्या इन सब का सम आएगा चौदह क्या इनका सम आएगा चौदह बिल्कुल आएगा चौदह ऐसे भी बना सकते हो अगर और बड़ा बनाना है और बड़ा बना लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और फिर जितने चाहे उतने जीरो लगा लो ठीक तो हम लोग बहुत बड़ा नंबर बना सकते हैं जिसका डिजिट सम क्या आएगा चौदह आएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू पर आते क्या कह रहे हैं फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल दी नंबर्स फ्रॉम फोर्टी टू सेवेंटी शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद क्लास बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको क्या करना है चालीस से लेकर सत्तर तक के जितने भी नंबर हैं उनका डिजिट सम निकालना होगा तो डिजिट सम निकालना भाई आपको पता है कैसे निकालते हैं जैसे मुझे फोर्टी का निकालना है तो फोर प्लस जीरो करोगे फोर्टी वन का निकालना है तो फोर प्लस वन करोगे फोर्टी टू का निकालना है तो फोर प्लस टू करोगे मतलब आपको क्या करना है आपको सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर देना है और ये इसका डिजिट सम होगा तो ऐसे करते करते सत्तर तक के निकाल डालो क्वेश्चन थ्री क्या कह रहा है कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर हुज are आर For फॉर एग्जाम्पल थ्री फोर फाइव डू यू सी pattern? पैटर्न विल दिस पैटर्न कंटिन्यूज क्या कह रहे हैं कि भाई अब आपको क्या करना है आपको तीन डिजिट वाले नंबर्स का डिजिट सम निकालना है और ये तीन डिजिट वाला जो नंबर है, ये कैसे होने चाहिए ये कंजटिव होने चाहिए मतलब ये ऐसे डिजिट्स के बने होने चाहिए जो कि एक के बाद एक आए इस तरीके से थ्री फोर फाइव लगातार आते कि नहीं आते बस आपको ऐसे ही डिजिट के नंबर्स को बनाना है तो ये मैंने आपके लिए कुछ बना दिए हैं वन टू थ्री टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट सिक्स सेवन एट फाइव सिक्स सेवन ये और लास्ट है आपका सेवन एट नाइन ठीक और इन सब का सम भी कर लिया तो देखो वन टू थ्री को ऐड करोगे तो छः आएगा टू थ्री फोर को ऐड करोगे तो नौ आएगा थ्री फोर फाइव को ऐड करोगे तो क्या आएगा चौदह आएगा अच्छा अब अगर हम फोर सिक्स सॉरी फोर फाइव सिक्स स्क्वाड करते हैं आंसर आएगा पंद्रह ठीक है तो यहां पे क्या पैटर्न चल रहा है छ छ से हुआ नौ प्लस तीन नौ सौ बारह प्लस तीन बारह सौ पंद्रह प्लस तीन तो अगर मैं नेक्स्ट स्क्वाय करता हूं कितना आना चाहिए अट्ठारह ठीक है फिर स्क्वायर करके क्या आएगा ट्वेंटी वन ठीक है ऐसे ट्वेंटी फोर चाहो तो चेक कर सकते हो यही पैटर्न आने वाला है चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो ठीक चलिए लास्ट वाला चेक करके दिखा देता हूँ तो नौ आठ होता है सत्रह सत्रह में सा जोड़ दो हो जाता है कितना चौबीस है कि नहीं चलिए तो ये हो गया ये वाला फिगर एट आउट अब नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग एक पैटर्न को पढ़ने वाले हैं ये पैटर्न कौन सा है ये है प्रिटी पैलेंड्रोमिक पैटर्न्स तो अब हम लोग पैलेंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं देखो पैलेंड्रोमिक पैटर्न्स पैलेंड्रोमिक नंबर या फिर पैलेंड्रोम्स हमारे बहुत ईजी होते हैं ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ो ये आपको एक से ही दिखाई देंगे एग्जाम्पल के लिए वन टू वन इसको आप कैसे भी पढ़ लो ऐसे पढ़ लोगे तब भी आपको वन टू वन ही दिखेगा ऐसे पढ़ोगे तब भी आपको वन टू वन ही दिखेगा ठीक है ऐसे ही सिक्स सिक्स ऐसे पढ़ोगे तब भी आपको सिक्स सिक्स ही दिखेगा ऐसे पढ़ोगे तब भी आपको सिक्स सिक्स ही दिखेगा और यही मेरा क्या है यही है मेरे पैलेंड्रामिक नंबर्स ठीक तो पैलेंड्रामिक नंबर्स क्या होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो ये मेरे क्या होते हैं एक से ही दिखते हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ पे भी एक पैटर्न होता है छोटा सा पैटर्न क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को लेते हो उसको रिवर्स करते हो मतलब उसको आप उल्टा करते हो और फिर दोनों का आपस में ऐड कर देते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने थर्टी लिया थर्टी का उल्टा क्या होता है फोर्टी होता है इसको ऐड कर दिया आंसर आया सेवेंटी जो कि एक पैलेंड्रामिक नंबर है ठीक है तो ये पैटर्न ये कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर को लेते हो उसको रिवर्स करते हो फिर आप दोनों को आपस में ऐड कर देते हो तो शायद आपको पैलेंड्रामिक नंबर मिल सकता है और अगर नहीं मिलता है जैसे कि यहाँ पर देखो क्या ये पेलेंड्रामिक नंबर था नहीं था तो इन्होंने क्या करा इन्होंने एक बार फिर से उसको रिवर्स किया फिर ऐड कर दिया अगर यहाँ पे देखो पेलेंड्रामिक नंबर मिल गया बट वैसे मान लो कि यहाँ पे नहीं मिलता तो इस केस में फिर से यही करते और ये तब तक चलता रहता जब तक आपको पेलेंड्रामिक नंबर नहीं मिल जाता ठीक है ना तो एक इसमें ये भी पैटर्न होता है चलो नेक्स्ट इसमें मेरा क्या है द मैजिक नंबर ऑफ कप्रेकर तो भाई ये एक बहुत ही कमाल का हमारा पैटर्न होता है इसमें क्या है कि इसमें एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे डॉक्टर कप्रेकर उन्होंने एक पैटर्न दिया था कि अगर आप चार डिजिट की कोई भी नंबर ले लो ठीक है या फिर आप कोई भी रैंडम भाई चार डिजिट ले लो उसको आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट उससे निकाल लो और फिर दोनों को आपस में माइनस करो ठीक है और जो आंसर आता है वो भी तो चार्ज का होगा फिर आपको क्या करना है कि उसको भी सेम चीज़ में ही आपको करना है आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट में उसको बना लेना है और फिर उसको आपस में माइनस करना है और आपको ये तब तक करते रहना है जब तक आपका जो आंसर है वो क्या आ जाए वो आ जाए सिक्स वन सेवन फोर ठीक है और यही है मेरा कपड़े का नंबर ठीक यही है मेरा कपड़े का कॉन्स्टेंट या कपड़े का नंबर तो इसमें यही कहते हैं कि भाई किसी भी आप चार डिजिट को ले लो उसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालो उसको माइनस करो और फिर जो उसका आंसर आ रहा है अगर वो ऐसा नहीं है तो उसको आप फिर से रिवर्स करके करते रहो तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका जो आंसर है वो ये बनेगा सिक्स वन सेवन फोर ठीक और ये हमेशा बनता है चाहे आप कोई भी चार डिजिट का नंबर उठा लो इससे मतलब नहीं कौन सा ले लो कोई भी चार डिजिट का नंबर उठा लो आपका ये ज़रूर ही बनेगा जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे इन्होंने एट सिक्स थ्री टू लिया था ठीक है ये इसका लार्जेस्ट और ये हो गया इसका स्मॉलेस्ट दोनों का आपस में माइनस करा आंसर आया ये क्या ये कपड़े घर कॉन्स्टेंट है नहीं है यही ये ये आंसर नहीं है फिर उन्होंने यही करा इसको लिया इसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों बना दिए तो ये बन गया इसका लार्ज ये बन गया स्मॉल माइनस का आंसर आ गया फोर वन सेवन सिक्स फिर सेम चीज करी इसका भी लार्ज स्मॉल बना दिया माइनस कर दिया और अब क्या आंसर आया अब इनका आंसर आ गया सिक्स वन सेवन फोर है यही है मेरा क्या कप्रेकर तो कप्रेकर कहता है यही कहता है कि अगर आप कोई भी चार डिजिट्स लेते हो उनसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाते हो और उनको आपस में माइनस करते हो तो हो सकता है आपका जो आंसर है वो आपका सिक्स वन सेवन फोर आ जाए और अगर नहीं आता है तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उससे भी आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है और उसको भी आपस में माइनस करना है अगर आप इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहोगे तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब जो आंसर है वो मेरा सिक्स वन सेवन फोर आएगा ठीक है और यही मेरा क्या है कपड़े कांस्टेंट है ठीक चलिए अच्छा पैलेंड्रोमिक नंबर्स जो हैं वो आपके टाइम में भी देखने को मिलते हैं ठीक जैसे कि ये देखो फोर 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 इसको इधर से देखो तब भी वैसा दिखेगा इधर से देखो तब भी वैसा दिखेगा है कि नहीं चलिए अब इसमें मेरा फिगर एट आउट तो फिगर एट आउट का क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है ये कह रहा है प्रतिभा यूजेस द डिजिट फोर सेवन थ्री एंड टू एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर्स विद दैम टू थ्री फोर सेवन एंड सेवन फोर थ्री टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज माइनस करा आंसर आ गया फाइव जीरो एट फाइव द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज नाइन सेवन सेवन नाइन चोज फोर डिजिट्स टू मेक देखो क्या कह रहा है कि एक बच्ची है प्रतिभा उसने चार डिजिट लिए कौन कौन से चार सात तीन दो और इन डिजिट से उसने लार्जेस्ट चार डिजिट का नंबर बनाया और स्मॉलेस्ट चार डिजिट का नंबर बनाया ठीक है अब क्या कह रहा है इसने इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो माइनस करने पे मेरा आंसर क्या आ गया ये आ गया फाइव जीरो एट फाइव और इनको ऐड करने पे जो आंसर है वो क्या आ रहा है वो आ रहा है नाइन सेवन सेवन नाइन ठीक अभी आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है चार डिजिट्स का मतलब कोई भी चार डिजिट चुननी है और उससे क्या करना है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन फाइव ज़ीरो एट फाइव क्या कह रहा है कि भाई आपको कोई भी चार डिजिट्स उठानी है उससे उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और फिर दोनों को माइनस करना है और माइनस करने पर जो भी आंसर आपका आएगा वो फाइव जीरो एट फाइव कि पाँच हजार पचासी से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है फाइव थाउजेंड एटी फाइव से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो कोई भी चार डिजिट उठा लो ठीक देखो पहले तो ये देख लो कि हमें कितना आंसर चाहिए आंसर पांच हज़ार में चाहिए मतलब जो डिफरेंस है वो बड़ा होना चाहिए तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन फंस रहा है जिसमें कह रहा है कोई भी चार डिजिट नंबर उठाओ और जो आ, आंसर में डिफरेंस दिखा रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो इस केस में क्या क्या करो इस केस में तीन छोटे डिजिट्स लो और एक बड़ा डिजिट ले लो तो बड़ा डिजिट मेरा क्या होता है सबसे बड़ा डिजिट नौ और अब क्या करो तीन छोटे डिजिट तो एक दो तीन ये ले लो अब आपको क्या करना है अब आपको इनसे नंबर बनाने हैं ठीक है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बना लो तो भाई लार्जेस्ट बनाओगे तो सबसे बड़ा डिजिट क्या था नौ पहले ये आ गया फिर क्या है तीन फिर ये आ गया फिर क्या है दो ये आ गया, ये आ गया।, ये आ गया। और एक ये तो ये बन गया लार्जेस्ट नंबर अब बनाते हैं स्मॉलेस्ट तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है एक पहले ये आ जाएगा फिर दो ये आ जाएगा तीन ये आ जाएगा और नौ ये आ गया चलो अब इन दोनों का आपस में माइनस कर लो तो एक में से नौ घटाओगे कितना आएगा एक में से नौ पहले बात तो घट सकता है नहीं घट सकता है तो मैं लूंगा हासिल ये हो गया एक गया ग्यारह ग्यारह में से नौ घटाइए बचेगा दो एक में से तीन घटेगा नहीं घटेगा तो ये हो गया दो और ये हो गया ग्यारह ग्यारह में से तीन घटा दो तो बचता है मेरा आठ ठीक अब देखो दो है दो में से दो घटेगा बिल्कुल घटेगा कितना बचेगा जीरो और नौ में एक घटा बचता है क्या मेरा आठ आंसर क्या है आंसर आया एट थाउजेंड एट्टी टू क्या मेरा फाइव थाउजेंड एट्टी फाइव से ज़्यादा है बिल्कुल ज्यादा है और क्वेश्चन यही तो कह रहा था क्वेश्चन क्या कह रहा था यही कह रहा था तो ये लो ये इसका आंसर है चार डिजिट मैंने कौन से चुने वन टू थ्री और नाइन इनसे बनाया लार्जेस्ट ये बन गया स्मॉलेस्ट बनाया ये बन गया दोनों तो का डिफरेंस निकाला आया एट थाउजेंड एटी टू और ये आपका फाइव थाउजेंड फिफ्टी एट से क्या है बड़ा है और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक चलो बी वाला कर लेते हैं बी वाला क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन फाइव जीरो एट फाइव आप देखो ये ए वाले का उल्टा है क्या कह रहे हैं कि भाई आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स का क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है और वो अब क्या होना चाहिए फाइव जीरो एट फाइव से लेस यानी कि कम होना चाहिए मतलब क्या करना है आपको चार डिजिट वाले अब छोटे छोटे नंबर बनाने होंगे ताकि जो उनका डिफरेंस है वो भी क्या है पाँच हजार से छोटा है तो चलो भाई इसके लिए क्या करते हैं चार छोटी डिजिट्स उठा लेते हैं तो सबसे छोटी चार डिजिट्स कौन सी होती हैं एक दो तीन चार अब मैं इसी से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगा तो वो लार्जेस्ट के लिए सबसे बड़ी डिजिट होगी चार पहले ये आएगी फिर आएगी तीन फिर आएगी दो और फिर आएगी एक स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटी है एक पहले ये फिर दो फिर ये फिर तीन आएगी ये होगी और चार होगी ये होगी माइनस कर लो तो भाई एक में से चार घटेगा नहीं ये हो गया एक ये हो गया ग्यारह ग्यारह में से चार घटाओगे बचेगा सात ठीक है एक में से तीन जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा दो ये हो जाएगा ग्यारह ग्यारह में तीन घटा दोगे तो बचेगा आठ दो में दो घटाओगे बचेगा जीरो और चार से एक घटाओगे बचेगा तीन

तो ये हो गया ए और बी अब आते हैं इसके सी पर सी क्या कह रहा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन नाइन सेवन सेवन नाइन बहुत आसान है सेम चीज़ जो कि मैंने उसमें मतलब ए और बी में कही थी वही मुझे इसमें भी करनी है क्या कह रहे हैं कि भाई आपको कोई भी चार डिश्स चुननी है उनसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है उनका सम करना है यानी उनको आपस में ऐड करना है और जो आंसर आएगा वो आपका नाइन सेवन सेवन नाइन से बड़ा होना चाहिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके लिए बहुत आसान है चार लार्जेस्ट डिजिट्स को उठा लो तो चार लार्जेस्ट डिजिट्स मेरी कौन कौन सी होती हैं नौ सात आठ छः अब इससे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना लो और दोनों को ऐड कर लो गारंटी देता हूँ आपका जो आंसर है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा ठीक है चलो द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन नाइन सेवन सेवन नाइन बहुत आसान है जो चीज़ हमने सी में करी है वो इसमें भी करनी है आपको कोई भी चार डिजिट्स लेने हैं उनका सम करना है सम का जो आंसर है वो नाइन सेवन सेवन नाइन से कम आना चाहिए तो इसके लिए आप चाहो तो uh, चार स्मॉलेस्ट डिजिट्स को ले सकते हो कौन सी वन टू थ्री फोर इनसे आप बना लो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर और दोनों को ऐड कर दो तो ये तो स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट आपका ये बन जाएगा ठीक है और इनको ऐड कर देना जो आंसर है वो आपका नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी नाइन से कम ही आएगा ठीक दोस्तों चलिए तो ये तो हो गया हमारे डी वाले का भी आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं क्या कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फाइव डिजिट पेलेंड्रोम वॉट इज देयर डिफरेंस क्या बोल रहा है कि आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट पेलेंड्रोम को आ, का सम निकालना है उनका डिफरेंस निकालना है तो पहले तो हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट पेलेंड्रोम निकाल लेते हैं तो भाई पेलेंड्रोम नंबर्स कौन कौन से होते हैं अभी मैंने आपको बताया कि वो नंबर होते हैं जिनको आप लेफ्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ्ट देखो ये हमेशा एक से दिखते हैं लार्जेस्ट नंबर क्या होता है फाइव डिजिट का बताओ क्या किसी को पता है लार्जेस्ट नंबर फाइव डिजिट का क्या होता है तो ये बहुत ही आसान है अगर कभी भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है कितने भी डिजिट का पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है उतनी बार नाइन लिख देना है जैसे कि अगर मैं कहूँ लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना है पाँच बार नौ लिख देना है ऐसे लिख दो नौ 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 ये बन गया आपका लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर अच्छा इसमें पैलेंड्रोम कहा था क्या ये नंबर पैलेंड्रोम है बताओ क्या ये नंबर पैलेंड्रॉम है बिल्कुल है क्यों इसको आप किसी से भी डायरेक्शन से देख लो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट सब जगह से आपको क्या दिख रहा है नौ 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 यही तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो ये क्या ये पैलेंड्राम हुआ बिल्कुल हुआ ठीक तो ये तो मेरा लार्जेस्ट पेलेंड्राम नंबर फाइव डिजिट का मिल गया अब आते हैं स्मॉलेस्ट पे तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का तरीका बहुत आसान होता है जितने डिजिट दे रखी हैं आपको उसके हिसाब से पहले तो वन लिखना है और फिर उतने जीरो लगा देने हैं तो वन एक डिजिट हो गई अब मुझे चार डिजिट और चाहिए तो चार लगा दो एक दो तीन चार ये हो गया आपका पांच डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ठीक अगर आप इसमें माइनस वन करते हो यानी कि एक नंबर पीछे जाते हो तो आपको चार डिजिट का बिगेस्ट नंबर मिलेगा ठीक है चलो फिलहाल ये इसको छोड़ते हैं इस पर आते हैं अच्छा क्या ये नंबर पेलनड्रॉम है बताओ क्या ये नंबर वन जीरो 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 यानी कि टेन थाउजेंड क्या ये पैलेंड्रॉम है नहीं है क्यों क्योंकि भाई अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट या राइट राइट टू लेफ्ट देखते हो तो क्या ये सेम दिखेगा नहीं दिखेगा इधर देखोगे तो फिर तो भाई वन जीरो 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 दिख रहा है इधर देखोगे तो जीरो 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 वन दिख रहा है ये तो गड़बड़ हो गया ना ये तो गड़बड़ हो गया तो इस केस में मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में अब मुझे क्या करना है इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ठीक है एक काम करते हैं इसमें प्लस वन कर लेते हैं मतलब एक नंबर बढ़ा लेते हैं तो बढ़ा लीजिए तो एक नंबर आप इसमें बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा दस हजार एक क्या हो जाएगा दस हजार एक भाई ऐड करके देख लो जीरो, वन, वन, जीरो, जीरो, जीरो अच्छा, पैलेंड्रॉम है अब ये बताओ क्या ये नंबर मेरा पैलेंड्रॉम है अब ये बताइए बिल्कुल है क्यों इसको आप इस डायरेक्शन से देखोगे तब भी आपको ये दिखेगा वन ट्रिपल जीरो वन और इसको आप इस डायरेक्शन देखोगे तब भी आपको ये दिखेगा वन ट्रिपल जीरो है कि नहीं तो क्या ये पैरेंड्रॉम हुआ बिल्कुल हुआ मतलब अब मुझे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पांच डिजिट के पैरेंड्रॉम तो मिल चुके हैं अब बस मुझे ऐड और सब्सट्रैक करना है तो चलो भाई कर लिया जाए तो ये आप देख सकते हो यहां पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल लिए हैं तो ये मैंने सम करा सम करने पे आपका आंसर क्या आ गया सम करने पे आपका आंसर आ गया ग्यारह हजार कितना सॉरी एक लाख दस हजार कितना का एक लाख दस हजार ठीक डिफरेंस करूंगा यानी कि अगर इनको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है एटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन एट ठीक और यही है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर का आंसर नेक्स्ट है है मेरा question number three. क्या कह रहा द टाइम इज नाउ टेन वन मतलब दस बज के एक अभी टाइम हो रहा है हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलेंड्रोमिक टाइम वॉट अबाउट द वन आफ्टर दैट बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी आपका क्या हो रहा है दस जीरो एक हो रहा है अच्छा ये मेरा क्या है ये मेरा अभी का टाइम है ठीक अब ये कह रहे हैं बताइए जब मेरा अगला पैलेंड्रामिक टाइम होगा तो वो टाइम क्या होगा और वो कितने मिनट बाद होगा ठीक है अच्छा ये जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका एक पेलेंड्रामिक टाइम है ठीक है क्या है ये पेलेंड्रामिक टाइम है क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन से इसको देख लो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो आपका ये यही आने वाला है ठीक तो मेरा क्या है पैरेंडोमिक टाइम है अब इसमें यही कह रहे हैं कि अगला पैरेंडोमिक टाइम कब आएगा तो अभी क्या है दस जीरो एक क्या अगला मेरा ऐसे नहीं होने वाला बताओ क्या अगला मेरा ऐसे नहीं होने वाला रुको ग्यारह ग्यारह भी तो आएगा रुकिए 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 ग्यारह ग्यारह भी तो आएगा ग्यारह ग्यारह है कि नहीं ग्यारह ग्यारह भी तो आएगा अच्छा ये भी आ जाएगा और क्या आ सकता है और क्या आ सकता है एक दो दो एक ये आ सकता है ठीक और क्या आ सकता है और एक तीन तीन एक ऐसे ये भी आ सकता है है कि नहीं तो ये सारे क्या हैं ये सारे मेरे पैलेंड्रोमिक टाइम्स ही हुए ठीक ये सारे क्या हो गए ये सारे हो गए मेरे पैलेंड्रोमिक टाइम्स अच्छा अगर हम कितने टाइम के बाद में आएगा इसकी बात करें तो दस एक और ग्यारह ग्यारह इसके बीच में सत्तर मिनट आएंगे देखो दस एक में एक घंटा जोड़ दो यानी साठ मिनट जोड़ दो क्या हो जाएगा ग्यारह जीरो एक हो जाएगा ये दस मिनट और जोड़ दोगे तभी तो ग्यारह ग्यारह हो रहा है तो दस मिनट में और जोड़ दो हो गया है सत्तर मिनट मतलब मुझे सत्तर मिनट बाद देखने को मिलेगा क्या अगला पैनडॉमिक टाइम अच्छा ग्यारह ग्यारह के बाद में जो अगला पैनटॉमिक टाइम आने वाला है वो होने वाला है बारह इक्कीस क्या होने वाला है बारह इक्कीस और ये भी कितनी देर बाद आएगा ये भी आएगा सत्तर मिनट बाद मतलब यहां पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है पैटर्न क्या है कि हर सत्तर मिनट बाद जो क्लॉक है वो हमको क्या दिखा रही है पैलन टाइम दिखा रही है ठीक और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं क्या कह रहा है हाउ मैनी राउंड डज द नंबर फाइव सिक्स एट थ्री टेक टू रीच कप्रेकर कांस्टेंट तो अभी आपको इस नंबर के साथ में जो है मेरा फाइव सिक्स एट थ्री इसके साथ में आपको कपड़े कांस्टेंट बनाने को कह रहे हैं तो भाई कपड़े कांस्टेंट अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे क्या चीज़ होती है बहुत ही आसान है जो भी आपके ड्रेस दे रखी है उसको आपको लार्जेस्ट और तो स्मॉलेस्ट बना लेना है फिर दोनों का क्या कर देना है डिफ्रेंस निकाल लेना है और जो आंसर आया है अगर आपका सिक्स वन सेवन फोर है तो फिर तो आपको कपड़े कर मिल गया और अगर ये नहीं है तो आपको अभी कपड़े कर कॉन्स्टेंट नहीं मिला है मतलब जो भी आंसर आया है उससे आपको चेंजेस करनी है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है दोनों का आपस में माइनस करना है और स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक आपका आंसर सिक्स वन फोर सेवन ना आ जाए इसमें अब नेक्स्ट है मेरा ये फिगर एट आउट देखिए इस वाले फिगर एट आउट और इस वाले फिगर एट आउट के बीच में मेरा कोई भी आ, कह सकते हो कॉन्सेप्ट नहीं है इम्पॉर्टेंट इसलिए बीच के सबको मैं स्किप कर रहा हूँ सीधे मैं आपको ये वाला फिगर एट आउट पढ़ा रहा हूँ ठीक तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सीनैरियो एव एवर पॉसिबल क्या कह रहे हैं नीचे की जो सीनरियोज हैं इनके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना होगा तो चलो भाई सिनेरियो पढ़ लेते हैं तो पहला क्या है फाइव डिजिट प्लस फाइव डिजिट यानी पाँच पांच डिजिट के दो नंबर हैं उनको क्या करा ऐड करा प्लस का निशान मिलेगा मतलब ऐड करा टू गिव अस टू गिव अम मोर देन नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पाँच पाँच डिजिट्स के दो नंबर थे जिनको आपने ऐड करा ऐड करने पे जो आंसर आया है वो आपका नब्बे हजार दो सौ पचास से क्या है ज़्यादा है तो ये बहुत ही आसान है आपको क्या करना है पहले तो दो बड़े नंबर ले लेते हैं अब दो बड़ा नंबर कोई भी ले सकते हो आप बस एक चीज ध्यान देना कि ऐसे नंबर्स को उठाओ जो कि नब्बे हजार से ज़्यादा ऐड करने पर लाए ठीक है तो एक काम करो अस्सी हजार ले लो एटी थाउजेंड ठीक और बीस हजार ले लो ट्वेंटी थाउजेंड दोनों का एड करोगे तो आपका क्या आएगा वन लाख क्या जाएगा आपका वन लाख ठीक है हो गया यही तो कह रहा था ये क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया इसको अस्सी हजार ले लो बीस हजार ले लो इनको आपस में जोड़ दो आ जाएगा एक लाख आप लोग चाहो किसी और भी वैल्यू को ले सकते हो आपकी इच्छा ठीक अच्छा अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एग्जांपल नहीं ले सकते हो क्यों क्योंकि यहां पे एक चीज और कह रहा है टू गिव अ फाइव डिजिट सम मतलब जो सम है ना वो भी फाइव डिजिट का ही होना चाहिए तो इसमें ना एक नंबर छोटा कर लो जैसे कि अस्सी हजार ले लो ठीक और अब बीस हजार की जगह पे उन्नीस हजार नौ सौ निन्यानवे ले लो ठीक है ना अब ऐड करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे और ये क्या है पांच डिजिट का ही है ठीक चलो तो ये एग्जाम्पल आपका आ, सही है सिनेरियो के हिसाब से आप चाहो तो कोई भी दो पांच डिजिट की वैल्यू ले सकते हो जो ही नहीं यही लो ठीक है चलो नेक्स्ट वाला समझा देता हूँ मैं आपको फाइव डिजिट्स प्लस थ्री डिजिट टू गिव अ सिक्स डिजिट सम क्या कह रहा है पांच डिजिट का नंबर है और तीन डिजिट का नंबर है ठीक है और आंसर जो आ रहा है वो छह डिजिट का है ठीक चलो बहुत आसान है तो पांच डिजिट का नंबर ले लो जिसमें कोई भी तीन डिजिट का नंबर ऐड करने पे छह डिजिट बन जाए तो ये बहुत आसान है पांच डिजिट का बड़ा नंबर उठा लो चलो ये ले लो नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन अब आप इसमें अगर वन भी ऐड करोगे तो छह डिजिट का हो जाएगा इसमें क्या कह रहा है तीन डिजिट का नंबर ऐड करो तो तीन डिजिट का कुछ भी ऐड कर दो हंड्रेड ऐड कर दो चलो हंड्रेड जोड़ दो ठीक है तो हंड्रेड तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये मेरा नाइन हो गया ये मेरा नाइन हो गया ये हो गया मेरा टेन एक हासिल ये भी हो जाएगा टेन एक हासिल और ये हो गया टेन ये लो आपका आ गया कितना गया एक लाख निन्यानवे कितना गया एक लाख निन्यानवे चलिए थर्ड वाला क्या कह रहा है फोर डिजिट प्लस फोर डिजिट टू गिव आ सिक्स डिजिट सम यानी कि आपको क्या करना है चार डिजिट्स के दो नंबर लेने हैं उनको आपस में ऐड करना है और जो आंसर है वो क्या होना चाहिए वो छह डिजिट होना चाहिए ठीक है तो चार डिजिट प्लस चार डिजिट डिजिट ट्रिपल चार नाइन वैसे ही आता नहीं है बट ट्राई कर लेते हैं, आता नहीं है ये आप ऐड और माइनस करके एक डिजिट बढ़ा सकते हो बट दो डिजिट नहीं बढ़ा सकते हो तो ये हमारा गलत होने वाला है फिलहाल प्लेन करके देख लेते हैं तो नौ प्लस नौ एक अट्ठारह हो गया ये आपका अट्ठारह एक उन्नीस हो गया एक हासिल अठारह एक उन्नीस हो गया एक हासिल और अट्ठारह एक उन्नीस हो गया ये देखो एक दो तीन चार पाँच पाँच डिजिट हुए कि नहीं हुए हुए कि नहीं हुए तो हम कभी भी दो चार डिजिट को ऐड करके छः डिजिट के आंसर नहीं ला सकते हैं ठीक देखो आप कुछ भी सम और माइनस करके किसी भी डिजिट वाले नंबर्स में एक डिजिट बढ़ा और घटा सकते हो बट आप दो डिजिट को नहीं बढ़ा घटा सकते हो ठीक तो ये वाला तो होने ही नहीं वाला है केस किसी भी कंडीशन में ठीक है चलिए फाइव डिजिट प्लस फाइव डिजिट टू गेव सिक्स डिजिट सम ये बिल्कुल हो सकता है पाँच डिजिट और पाँच डिजिट का नंबर जिसको आप ऐड कर दो छः डिजिट का सम आ जाए तो जो मैंने इसमें किया था अस्सी हज़ार प्लस बीस हज़ार वो इसमें कर देना प्रॉब्लम सॉल्व फाइव डिजिट्स प्लस फाइव डिजिट्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या पांच डिजिट वाले पाँच संख्या पांच सौ आना चाहिए तो सवाल ये उठता है कि क्या पांच डिजिट्स के नंबर को ऐड करने पे अठारह हजार आ भी सकता है क्योंकि देखो सबसे छोटी फाइव डिजिट की संख्या मेरी कौन सी होती है वो होती है दस हजार. अब हम लोग दस को सबसे छोटी संख्या क्यों कहते हैं पाँच डिजिट की क्योंकि देखो अगर आप इसे एक पीछे आते हो यानी कि माइनस वन करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा आंसर आएगा आपका चार नाइन एक दो तीन चार ये आएगा ठीक है और ये कितने डिजिट की अकाउंट कर लो एक दो तीन चार ये चार की होगी कि नहीं होगी मतलब मेरी पाँच डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है दस हज़ार यानि कि मैं इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से भैया मुझे यही नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा आप खुद ही सोचो दस हज़ार दस हज़ार को अगर मैं जोड़ता हूँ आंसर कितना था बीस हज़ार और बीस हज़ार इससे बहुत बड़ा है तो क्या किसी भी कंडीशन में मैं दो पाँच डिजिट के नंबर को ऐड करके अट्ठारह हज़ार पाँच सौ ला सकता हूँ नहीं क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबसे छोटी पाँच डिजिट की दो नंबर्स को ऐड करने पे बीस हजार आंसर आ रहा है जो कि इससे एक हज़ार पाँच सौ ज़्यादा है मतलब मैं अट्ठारह हज़ार पाँच सौ तो ला ही नहीं सकता मतलब ये वाली जो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये जो कंडीशन है ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आते हैं तो ये नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है फाइव डिजिट्स माइनस फाइव डिजिट देखो अभी तक ऊपर हम लोग प्लस वाला यानि कि सम देख रहे थे अब यहाँ पे डिफरेंस यानी कि माइनस देख रहे हैं क्या कह रहा है कि भाई पांच डिजिट की दो नंबर्स हैं पांच संख्याओं के दो मेरे नंबर्स हैं जिनको मैंने माइनस करा तो इनका जो निकला है आंसर मतलब इनका जो डिफरेंस निकला है वो छप्पन हजार पांच सौ तीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री होना चाहिए, चाहिए यानी कि कम होना चाहिए तो सोचो क्या मैं दो डिजिट आ, दो डिजिट्स को सॉरी पांच डिजिट वाले नंबर को माइनस करके क्या मैं छप्पन हजार पांच सौ तीन ला सकता हूँ बिल्कुल ला सकता हूँ भाई बिल्कुल ला सकता हूं अभी हमने देखा फॉर एग्जाम्पल कि दस हजार मेरा क्या है सबसे छोटी संख्या है अच्छा क्या होगा अगर मैं दस हज़ार को दस हज़ार से माइनस कर दूं आंसर क्या आएगा जीरो आएगा कि नहीं आएगा क्या वो आंसर छप्पन हजार पाँच सौ तीस से कम है बिल्कुल कम है भाई जीरो सबसे कम है है कि नहीं तो लो ये कंडीशन बैठ हो गई मतलब मैं किन्नी भी दो पाँच डिजिट वाले नंबर्स को माइनस करके जो उनका डिफ्रेंस है वो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री से कम ला सकता हूँ ठीक है एग्जाम्पल के लिए ये मान लो कि भाई मैंने पाँच डिजिट मैंने ले लिया बारह हज़ार और ले लिया मैंने दस हज़ार माइनस कर लो कितना हो जाएगा दो हज़ार हो जो कि मेरा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री से क्या है कम है बस आ गया चलो नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं यानी क्वेश्चन पे आते हैं क्या कह रहा है फाइव डिजिट माइनस थ्री फोर डिजिट डिफरेंस पांच डिजिट का कोई नंबर है उसमें आपने तीन डिजिट के किस नंबर को माइनस करा और आपको चार डिजिट का क्या आ रहा है आंसर आ रहा है देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट में जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कितने भी डिजिट दे रखे हैं मान लो छः डिजिट का कोई नंबर दे रखा है ठीक है कितने छः डिजिट का कोई नंबर दे रखा है तो इसमें प्लस और माइनस करके आप इस छः से पांच डिजिट बना सकते हो और छः से सात डिजिट बना सकते हो मतलब आप प्लस वन प्लस माइनस कर सकते हो लेकिन आप दो डिजिट यानी कि छः से चार डिजिट या फिर छः से आठ डिजिट नहीं बना सकते मैंने ये चीज़ कही थी अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है कह रहा है भाई पांच डिजिट का कोई नंबर है उसमें मैंने क्या करा उसमें मैंने तीन डिजिट के नंबर को माइनस करा और मुझे डिफरेंस मिला चार डिजिट का मतलब पांच से चार डिजिट यानी कि माइनस वन हो रहा है एक डिजिट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्या हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या हम कर सकते हैं ये बिल्कुल कर सकते हैं एग्जाम्पल भी लेके दिखा देता हूं चलो मान लो आपने ले लिया दस हजार कितना ले लिया दस हजार पांच डिजिट का है कि नहीं है अच्छा तीन डिजिट का ज्यादा नहीं एक काम करो सौ ले लो सिर्फ माइनस कर लो माइनस कर लो कितना आएगा जीरो में जीरो जाएगा जीरो जीरो में जीरो जाएगा जीरो जीरो में से वन जा सकता है नहीं जा सकता ये हाथ से लेगा ये भी जीरो है अब ये इससे हाथ से लेगा तो ये हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा दस ये इसको देगा ये हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा दस दस में से एक घटा बचता है नौ और नौ है यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो आ जाएगा नौ यानी आंसर क्या आया नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड कितना आया नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड कितना डिजिट का आई है एक दो तीन चार चार डिज का हुआ कि नहीं वो लो ये कंडीशन सही प्रूव हो गई मेरी ठीक चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं क्या कह रहे हैं फाइव डिजिट नंबर माइनस फोर डिजिट नंबर टू तो के फोर डिजिट नंबर फोर डिजिट डिफरेंस पाँच डिजिट का नंबर है उसमें आपने चार डिजिट का कोई नंबर माइनस करा और जो डिफरेंस है वो चार डिजिट का आया बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भाई मान लो मैंने दस हज़ार ले लिया पाँच डिजिट की सबसे छोटी छोटी वैल्यू होती है ये ठीक है इसमें मैंने एक हज़ार जो कि चार डिजिट का होता है उसको माइनस कर दिया कितना आएगा जीरो मैनस जीरो जीरो मैनस जीरो जीरो में से जीरो और ये आपका दस हो जाना है ये हो जाएगा जीरो तो दस में से एक घटा बचा नौ क्या आंसर चार डिजिट का है एक दो तीन चार बिल्कुल है मतलब ये कंडीशन भी मैट हो गई हमारी चलो इस पे आते हैं क्या कह रहा है फाइव डिजिट माइनस फाइव डिजिट टू गिव अ थ्री डिजिट डिफ्रेंस लॉजी कह रहा है पांच डिजिट के नंबर को मैंने पांच डिजिट के नंबर से माइनस करा डिफरेंस आया तीन डिजिट के नंबर क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है मैंने इस क्वेश्चन में पहले भी बताया फिर से बता रहा हूं कि, कि किसी भी डिजिट की वैल्यू को आप ऐड या फिर माइनस करके एक डिजिट बढ़ा घटा जरूर सकते हो लेकिन दो डिजिट नहीं कर पाओगे सिर्फ आप एक ही कर सकते हो मतलब आप अगर पांच डिजिट का कोई नंबर है तो इसको आप छह डिजिट का देता हूँ या फिर चार डिजिट का बना सकते हो ऐड माइनस करके बट इससे ज़्यादा नहीं कर सकते मतलब पाँच से तीन तो कभी नहीं कर सकते तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है दो पाँच डिजिट के नंबर माइनस करे डिफरेंस आए तीन डिजिट का क्या ये पॉसिबल है नहीं ये इनपॉसिबल है हो ही नहीं सकता तो ये वाली भी मेरी कंडीशन मैट नहीं होगी चलो लास्ट पर आते हैं इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है फाइव डिजिट माइनस फाइव डिजिट टू गिव नाइन्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या कह रहा है कह रहा है कि भाई पांच डिजिट यानी पांच संख्या के नंबर को पांच संख्या वाले नंबर से माइनस करो और क्या आना चाहिए नाइन्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी कि इक्यानवे हज़ार पाँच सौ आपका आना चाहिए तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ तो देखो दोस्तों फाइव डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो मैंने आपको बड़ी संख्या निकालना दिखा आ, सिखाया है जितने भी डिजिट की बड़ी संख्या निकालनी है उतनी बार नौ लिख दो तो पांच डिजिट की बड़ी संख्या निकालनी है कुछ मत करो पांच बार नौ लिख दो तो एक दो तीन चार पाँच आप पढ़ लो कितना हुआ ये ये है नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन अब क्या मैं निन्यानवे हजार से इक्यानवे हज़ार बना सकता हूँ बताओ क्या मैं निन्यानवे हजार से इक्यानवे हज़ार बना सकता हूँ बिल्कुल बना सकता हूँ तो निन्यानवे हज़ार में मुझे क्या हटाना पड़ेगा कि ये बन जाए मेरा इक्यानवे हज़ार जवाब है आठ हजार क्या है जवाब जवाब है आठ हज़ार इसमें अगर आप आठ हजार हटा देते हो तो मेरा क्या बन जाता है ये नाइन्टी वन थाउजेंड देखो नाइन में से जीरो जाएगा बचा नाइन 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 नौ में से आठ घटों बचा है और ये हो गया मेरा नाइन कितना आंसर आंसर आ रहा है नाइन्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन क्या ये क्वेश्चन हो गया बताओ क्या ये क्वेश्चन हो गया जवाब है नहीं क्यों क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि दोनों संख्याएं पांच डिजिट की होनी चाहिए ये तो पांच है लेकिन क्या ये पांच है एक दो तीन चार नहीं है भैया ये पांच मतलब ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है और इसको करने का एक और तरीका है वो तरीका क्या है भाई पांच डिजिट की सबसे बड़ी संख्या लो और पांच डिजिट की सबसे छोटी संख्या लो तो बड़ी ऐसे निकालते हैं छोटी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है वन लिखो और फिर जीरो लगा दो जितनी संख्याएं बाकी हों तो ये हो गया पांच डिजिट की बड़ी और छोटी संख्या आप दोनों को माइनस कर लो तो यहां आया नाइन यहां आया नाइन यहाँ आया नाइन यहाँ आया नाइन और नौ में से एक घड़ा बचता है आठ कितना आंसर बताओ आंसर आ रहा है एट्टी नाइन थाउजेंड 999 समझ रहे हो आप इसका मतलब ये है कि भाई आप किन्नी भी दो पांच डिजिट वाली संख्याओं को अगर माइनस करोगे तो आंसर इससे ज्यादा कभी जा ही नहीं सकता 89,999 से जा ही नहीं सकता लेकिन 91,000 तो बहुत ज्यादा है 2000 ज्यादा है तो क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है चलिए क्वेश्चन टू पर आते हैं क्वेश्चन टू क्या है ऑलवेज समटाइम्स नेवर बिलो आर सम स्टेटमेंट थिंग एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ई स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू ओनली सम टाइम ट्रू और नेवर ट्रू वाई डू यू थिंक सो राइट योर रीजनिंग डिस्कस दिस विद द क्लास अच्छा ये मेरा बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है पढ़ना होगा फिर बताना होगा कि भाई क्या ये स्टेटमेंट मेरे हमेशा सही रहते हैं कभी कभी सही रहते हैं या कभी भी सही नहीं रहते हैं ठीक है देखो ये ना इसकी तरह इसकी तरह ठीक चलो कर लेते हैं तो ए वाला क्या कह रहा है फाइव डिजिट प्लस फाइव डिजिट नंबर गिव आ फाइव डिजिट नंबर क्या बोल रहा है कि दो पांच डिजिट की संख्याओं को जब भी आप जोड़ोगे तो आपका जो जवाब है वो हमेशा पांच डिजिट का होगा दो पांच डिजिट की संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो जवाब है वो हमेशा पांच डिजिट का होगा क्या ये हो सकता है बताओ क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता अभी बताता हूं एग्जाम्पल के लिए जो सबसे बड़ी मेरी फाइव डिजिट की नंबर है उसको ले लो तो नाइन 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 अब मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा मैं इसमें आ, कोई भी पांच डिजिट की संख्या को ऐड कर दे रहा हूं कोई भी ऐड कर दे रहा हूं अपने से कर लेते हैं चलो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ऐड कर देते हैं तो नौ में पाँच जोड़ो हो जाएगा चौदह एक हासिल हो गया और नौ एक दस ये हो गया चौदह एक हासिल हो गया नौ एक दस तीन तेरह एक हासिल हो गया नौ एक दस दो बारह एक हासिल हो गया नौ एक दस और एक ग्यारह कितनी संख्या आएंगे लो एक दो तीन चार पाँच छ कितनी संख्या आ गई छ आ गई मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ तो मैंने दो पाँच डिजिट के नंबर्स को जोड़ा लेकिन वो तो छः बन गया लेकिन ये क्या कह रहा था कि हमेशा पाँच आएगा तो क्या यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है नहीं पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन क्या स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हुआ फिर बताओ क्या यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हुआ नहीं भाई पूरी तरीके से कैसे गलत हो सकता है एक और एग्जाम्पल लेता हूं अब लेते हैं दस हजार ठीक है इसमें मैंने जोड़ दिया बारह हजार ठीक है लो जीरो 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 टू का ये टू हो गया ऑटो टू टू कितने डिजिट है एक दो तीन चार पाँच पाँच डिजिट हुए कि नहीं हुए बताओ पाँच डिजिट हुए कि नहीं हुए मतलब हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे एक से हमें पता चला कि दो पाँच डिजिट के नंबर को अगर मैं ऐड करता हूँ जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा पाँच डिजिट का आए और दूसरे से हमने ये भी देखा कि हाँ भाई दो पाँच डिजिट के नंबर को ऐड करने पे आंसर मेरा पाँच डिजिट आ सकता है मतलब ये है कि ये जो मेरा ए में जो कंडीशन दे रखी है ये हमेशा ट्रू नहीं होती ठीक है ये कभी कभी ही ट्रू होती है मतलब ओनली समाइम्स ट्रू ये आ जाएगा इसमें ठीक चलो बी पर आते हैं बी क्या कह रहा है चार डिजिट का नंबर है उसमें दो डिजिट नंबर को ऐड करा हमेशा चार डिजिट नंबर मिलेगा चार डिजिट का नंबर है उसमें दो डिजिट को ऐड करा हमेशा चार डिजिट मिलेगा, मिलेगा क्या ये ट्रू हो सकता है क्या ये ट्रू हो सकता है तो ये भी ट्रू नहीं होगा मतलब हमेशा ट्रू नहीं हो सकता ठीक है हमेशा ट्रू नहीं हो सकता कैसे चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लो नाइन नाइन अब इसमें दो डिजिट की कोई भी संख्या ऐड कर दो कोई भी आपकी इच्छा तो चलो मैं जोड़ देता हूं उसमें ग्यारह जोड़ लो तो नौ में एक जोड़ो होता है दस एक हासिल हो गया नौ एक दस और एक ग्यारह एक हासिल हो गया नौ और एक ये क्या हो जाएगा दस एक हासिल हो गया और नौ और एक ये क्या हो गया दस गिन लो कितने डिजिट हुए एक दो तीन चार पांच कितने डिजिट हो गए पांच डिजिट हो गए कितने हो गए पांच डिजिट क्या कह रहा था ये चार में कोई भी दो डिजिट वाला मतलब चार डिजिट में कोई भी दो डिजिट वाला नंबर ऐड करोगे हमेशा चार मिलेगा हमने देख लिया नहीं भैया पाँच भी आ रहा है क्या देख लिया हमने पाँच भी आ रहा है अच्छा अब हज़ार ले लो ये भी चार डिजिट का है और इसमें कोई भी जोड़ लो चलो बारह जोड़ लेते हैं ऐड कर लो कितना आंसर आएगा तो ये टू वन जीरो वन कितना डिजिट एक दो तीन चार चार डिजिट मतलब हमने यहाँ से एक चीज़ देख ली कि हाँ भाई क्या है कि मेरे चार डिजिट के नंबर में दो डिजिट के नंबर को ऐड करने पे चार डिजिट का नंबर आपको आंसर में मिलेगा लेकिन हमेशा मिलेगा ये ट्रू नहीं है ठीक है मिलेगा तो बट हमेशा मिलेगा ये ट्रू नहीं है मतलब ये भी क्या होगा ओनली समटाइम्स ट्रू ठीक चलो सी वाले पे आते हैं अच्छा मैं सिर्फ सी वाले तक कराऊंगा फिर डी और ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ खुद करने की कोशिश करो चार डिजिट फोर uh, डिजिट नंबर्स प्लस टू डिजिट नंबर गिव आ सिक्स डिजिट नंबर अच्छा सी वाले ने एक बहुत ही ईजी हैं चार डिजिट के नंबर में दो डिजिट के नंबर को ऐड करने पे छह डिजिट का नंबर बनेगा तो देखो मैंने आपको चीज पहले भी बताई है फिर से बता रहा हूं कि आप ऐड और माइनस करके एक डिजिट बढ़ा घटा सकते हो बट दो नहीं कर सकते हो चार से छह क्या बन सकता है बताओ क्या चार से छह बनना संभव है नहीं संभव है भाई चार डिजिट के नंबर में आप कुछ भी एड या माइनस करके इसको तीन डिजिट या फिर पांच डिजिट बना सकते हो बस एक डिजिट प्लस एक डिजिट माइनस कर सकते हो बस इससे आप नहीं कर सकते हो तो ये क्या होगा ये होगा नेवर ट्रू सी हो गया नेवर ट्रू अब आपको क्या करना है टी और ई को खुद से करना होगा ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट यहां पे हमारा एक पैटर्न टाइप का दिया हुआ है क्या है ये एन अनसोल्व मिस्ट्री दलार्ज कंजक्चर क्या है देख लेते हैं भाई तो इसका ये जो पैटर्न है कोला कंजक्चर का ये कैसे होता है देखो ये पैटर्न मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इसमें जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि अगर पहला नंबर या फिर कोई भी नंबर जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो अगर वो ईवन है ईवन यानी कि जो दो से कट सके मतलब जो दो का मल्टीपल हो अगर वो इवन है तो उसका आपको आधा कर देना जैसे कि यहाँ पे क्या था बारह था बारह ईवन नंबर है उसका आधा हो गया छः क्या छवन है बिल्कुल आधा कर दो हो गया तीन अच्छा कभी भी अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाओ जब नंबर मेरा क्या हो ईवन ना रहे ऑड हो जाए जैसे तीन मेरा ऑड नंबर है ठीक तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है जो भी नंबर दे रखा है उसमें इन टू थ्री यानी मल्टीप्लाई थ्री करके प्लस वन कर दो तो थ्री थ्री जो नाइन प्लस वन होता है टेन तो ये आ गया अगला मेरा टेन ठीक मेरा कोलार्ज कंजक्चर क्या कहता है ये कहता है अगर स्टार्टिंग नंबर आपका ईवन है तो उस नंबर को आपको क्या करना है उस नंबर को आपको आधा कर देना है और ये तब तक करते रहना है जब तक आपको ऑड नंबर नहीं मिल जाता जैसे ही ऑड नंबर मिलता है उसमें आप मल्टीप्लाई थ्री करके प्लस वन कर दो और फिर देखो कि जो आंसर आ रहा है वो ईवन है या क्या है अगर वो ईवन है तो उसका आधा करना फिर से स्टार्ट कर दो अच्छा आपको ये कब तक करते रहना है जब तक आपको वन नहीं मिल जाता क्या नहीं मिल जाता वन नहीं मिल जाता कोई भी नंबर लेके देखो यही होगा चलो एग्जाम्पल के लिए हम लोग भी करके देख लेते हैं तो मैं ले लेता हूँ क्या ले लूँ बताओ मैं ले लेता हूँ आम छोटा ही नंबर लेंगे ज़्यादा बड़ा ही नहीं लेंगे एक काम करते तेरह लेते हैं तेरह ले लें क्या नहीं तेरा नहीं 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 तेरह नहीं तेरह तेरह तो है तेरह तो आ रखा है इसमें आम छोटा नंबर लेना है मुझको तो, तो 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 चलो पंद्रह लेते हैं पंद्रह मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा पंद्रह कहीं लिया तो नहीं गया नहीं लिया गया पंद्रह जी पंद्रह लेते चलो तो पंद्रह क्या ये मेरा ऑड नंबर है बिल्कुल है भाई पंद्रह इन तीन कर दो प्लस वन कर दो तो फिफ्टीन से जो होता है फोर्टी फाइव प्लस वन क्या होता है फोर्टी सिक्स अगला नंबर आ गया फोर्टी सिक्स क्या फोर्टी सिक्स नंबर है बिल्कुल है इसका आधा कर दो तो फोर्टी सिक्स का आधा क्या होता है तेईस ट्वेंटी थ्री क्या ट्वेंटी थ्री ऑड हो गया तो भाई इसमें प्लस का वन तो तेईस तो थ्री थ्री नाइन और थ्री सिक्स प्लस वन होता है सेवनटी क्या गया सत्तर सत्तर का आधा होता है क्या पैतालीस फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव क्या है ऑड हुआ इसमें भी सेम चीज करो तो फोर्टी फाइव जा कितना आपका हो जाना चाहिए पैंतालीस और 45 नब्बे 45 का नब्बे तो एक सौ पैंतीस हो जाएगा इसका हाफ कर लो तो एक सौ छत्तीस का हाफ कितना होता, होता, होता है तो 100 का आधा हो गया पचास और छत्तीस का आधा हो गया अठारह तो पचास प्लस अठारह होता है सिक्सटी एट कितना होता है सिक्सटी एट ठीक क्या सिक्सटी एट और है कि ईवन है ईवन है ना तो इसका आधा कर दो तो सिक्सटी एट साठ का आधा तीस और आठ का आधा चार यानी चौंतीस थर्टी फोर हो गया ये इधर अलग है ठीक है थर्टी फोर भी मेरा क्या है ईवन है इसका आधा करो कितना हो जाएगा सत्रह हो जाएगा कितना हो जाएगा सत्रह हो जाएगा सत्रह ईवन है कि और है और है ना इसमें भी आपको इन तीन करके पचपन कर देना है ठीक है इन टू तीन करके प्लस वन आपको कर देना है और ये सब आपको तब तक करते रहना है जब तक आंसर आपका क्या आ जाए वन ना आ जाए ठीक ठीक है अब मुझको ये लग रहा है पैटर्न बहुत लंबा जाएगा सर इसको यहीं पर रोक देते हैं नहीं तो ये आपका आ तो जाएगा देखो आंसर आ जाएगा वन आ जाएगा बट लंबा बहुत जाएगा ठीक है चलो अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सिंपल एस्टीमेशन देखो एस्टीमेशन का मतलब क्या होता है अंदाजा लगाना यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग अंदाजा ही लगाएंगे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कहता हूँ बच्चों बताओ तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं तो हो सकता है आपको ना पता हो तो आप फिर अपने अंदाजे से बताओगे कि यारे दो सौ तीन बच्चे होंगे ऐसा कुछ है कि नहीं तो बस यही होता है मेरा एस्टीमेशन यानी कि अंदाजा लगाना ठीक है इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ मान लो आप दुकान जा रहे हो ठीक है कुछ सामान लेने के लिए तो मम्मी आपको पैसे देती कि नहीं देती हैं देती है ना और मम्मी पैसे कैसे देती हैं अंदाजा लगा के कि हाँ भैया इतने का खर्चा आ सकता है है कि नहीं चलो जी तो हम लोग भी अब इसके फिगर इट आउट को स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या है एक सेकंड ये क्वेश्चन नहीं है शायद ये क्वेश्चन नहीं है पढ़ लेते हैं क्या वी शैल डू अ सिंपल एस्टिमेट्स इट इज वन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस रिमेंबर

From द प्लेस यू आर सेटिंग टू द क्लास रूम डोर जहाँ पे आप बैठते हो अपने क्लास में वहाँ से आप दरवाजे तक जाने के लिए कितने कदम लेते हो तो जो भी आंसर है जितना भी आपका अंदाजा है दस कदम पंद्रह कदम उसको यहाँ पर लिख देना है अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपका जो स्कूल का ग्राउंड है उससे आपको पूरा मतलब पूरा स्कूल ग्राउंड कवर करने में कितने कदम लगते हैं वो यहाँ पर एक दो फ्रॉम योर क्लास रूम डोर टू द स्कूल डोर सॉरी स्कूल गेट आपके क्लास रूम के दरवाजे से स्कूल के दरवाजे तक कितने कदम रहते हो उसका जवाब यहां लिख दो फ्रॉम योर स्कूल टू योर हाउस अपने स्कूल से घर जाने में कितने कदम रहते हो उसका जवाब यहां लिख दो ठीक है तो ये बहुत ही हमारा ईजी सा मजेदार सा क्वेश्चन था इसमें आपको अंदाजा लगाना है और फटाफट लिख देना है है कि नहीं चलो क्वेश्चन टू पर आते हैं क्या कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक क्या बोल रहा है कि भाई इन मिनट आर डे आप एक मिनट में कितनी बार अपनी पल झपकाते हो और सांस लेते हो एक घंटे में कितनी बार अपनी आंखें या फिर पलके झपकाते हो और सांस लेते हो और एक दिन में कितनी बार अपनी पलके झपकाते और सांस लेते होगे उसका आंसर आपको अंदाजा मार के यहां पे लिख देना है ठीक है दोस्तों सी क्या कह रहा है सॉरी uh, थ्री क्या कह रहा है नॉट सी इट्स थ्री नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर्स मोर देन टेन थाउजेंड इन नंबर्स क्या कह रहा है कि अपने आसपास की कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो कि संख्या में कई हजार मतलब कुछ हजार हैं और जो कि दस हजार से ज़्यादा हैं तो अपने आसपास देखो देखो कौन सी चीज़ें हैं जो कि कुछ हजारों में हैं और कौन सी चीज़ें जो कि कई दसियों हजारों में हैं ठीक चलो ये हो गया आपका गेम्स एंड विनिंग स्ट्रैटेजी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या कह रहा कोई ये शायद गेम है देख लेते क्या है फेमस गेम एंड कॉल ट्वेंटी वन प्लेड विद्लास रूम देन ट्राइड एट होम विद योर फैमिली रूल नंबर वन तो गेम के रूल दिए हुए पढ़ लेता हूँ क्या क्या है द फर्स्ट प्लेयर सेन टू थ्री देन टू प्लेयर्स टेक टर्न एडिंग थ्री टू दीवियस नंबर सेट दर्स्ट प्लेयर टू इज ट्वेंटी ये शायद ये शायद खेला हुआ है देखो ये ना अच्छा मैं समझ गया क्या चीज है ये ना गेम ऐसा है कि पहला प्लेयर कोई भी नंबर लेगा रैंडमली ठीक है जो नंबर है वो आपका छोटा होना चाहिए ठीक इक्कीस से छोटा होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा नहीं वन टू थ्री ऐसे करके आपको नंबर लेने हैं और जो अगला प्लेयर है वो भी वन टू थ्री इन तीनों में से कोई एक नंबर लेगा और फिर जो भी नंबर आप दोनों ने लिया है उसको ऐड करो ठीक और ऐसे ही ऐड करना है जैसे कि मान लो आंसर है सिक्स ठीक है तो सिक्स लेकर आप जो पहला प्लेयर है वो उसमें ऐड करेगा मान लो उसने बोला तीन तो छः में तीन जोड़ दो अब आपको ऐसे ही करते रहना करते रहना करते रहना है और जिस प्लेयर की बारी में इक्कीस यानी कि ट्वेंटी वन नंबर आपका ऐड हो गया टोटल आ जाए वो प्लेयर जीत जाएगा ठीक ऐसा गेम है ये ठीक है मतलब ये कि आपको नंबर्स को ऐड करते रहना है अच्छा सेम चीज़ गेम नंबर टू में भी करनी है बस यहाँ पर अब आपको नाइन्टी नाइन पहुँचना है कितना पहुँचना है नाइन्टी नाइन पहुँचना है और यहाँ पर आप जो नंबर ले सकते हो वो एक से लेकर दस के बीच में ऊपर वाले में आपको कहाँ से एक से तीन तक ऐसे लेना है और नीचे वाले में आपको एक से नियानवे तक के नंबर लेने हैं और निन्यानवे सॉरी एक से दस तक के नंबर लेने हैं और निन्यानवे तक पहुँचना है ठीक है चलो तो ये है मेरा नेक्स्ट फिगर इट आउट क्या कह रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर वन देयर इज ओनली वन सुपर सेल इसमें आप देख सकते हो तो इमेज में सिर्फ एक सुपर सेल है ठीक है नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर मतलब ये वो नंबर जो कि अपने पड़ोसियों से क्या है बड़ा है इन दिस ग्रिड इफ़ यू एक्सचेंज टू डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर देअर विल बी फोर सुपर सेल्स फिगर इट आउट विथ डिजिट टू स्वाप क्या कह रहा है यह कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है कि ये जो मेरा आपको ग्रिट दिख रहा है इसमें आपको किसी एक नंबर के दो डिजिट को स्वाप करना है किसी भी एक नंबर को चुनो उसके दो डिजिट को स्वाप करो और आपको ऐसे चुन के स्वाप करना है कि भाई चार सुपर सेल बन जाए इसमें कितने चार सुपर सेल बन जाए तो सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि अपने आसपास के चार नंबर को इफेक्ट कर सकता है क्या यह कर सकता है यो तो बस इसको इसको इफेक्ट कर, 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 कर सकता है नहीं क्या यह कर सकता है बिल्कुल नहीं क्या यह कर सकता है ये सिर्फ इन तीनों को करेगा यह कर सकता है नहीं क्या यह कर सकता है नहीं ज़्यादा ज़्यादा नंबर तीन नंबर्स को इफेक्ट कर रहे हैं मतलब किनारे वाला तो नहीं है तो कौन सा नंबर बचा ये बीच वाला बचा मतलब मुझे इसी को चेंज करना होगा जिससे मेरे चार सुपर सेल बन जाए और मैं चेंज क्या कर सकता हूँ चलो एक काम करते हैं छः को एक से बदल देते हैं ठीक है तो छः को एक से बदलने पे नंबर क्या हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा वन टू एट सेवन सिक्स ये हो गया बारह हजार आठ सौ छिहत्तर ठीक है अच्छा अब देखो बारह हज़ार आठ सौ छिहत्तर करते ही ये नंबर ये वाला जो नंबर है क्या अब ये छोटा हो गया इससे छोटा हो गया मतलब ये सुपर सेल बन गया अच्छा आसपास के ये दो नंबर हैं ये भी थर्टी नाइन वाले से छोटे हैं ये सुपर सेल अच्छा क्या पचास हज़ार वाला ये जो नंबर है क्या ये फिर इससे बड़ा हो जाएगा बिल्कुल और साथ में ये जो नंबर हैं ये इससे छोटे तो ये भी सुपर सेल हो गया ऐसे ही पैंतालीस हज़ार वाला नंबर जो है इसमें ये बारह हज़ार रखा है तो इससे ये वाला बड़ा हो गया साथ ही में इन दोनों से भी ये बड़ा तो ये भी सुपर सेल और से इन के लिए भी ट्रू है क्योंकि ये बारह हज़ार हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा इससे छोटा और ये दोनों इससे ऑलरेडी छोटे हैं तो ये भी बन गया सुपर सेल मतलब मुझे बीच के नंबर में बदलाव करने थे और मेरे चार सुपर सेल खट से बन गए तैयार ठीक है देखा कितना ऐसी था चलो क्वेश्चन टू पे आते हैं क्या कह रहे हैं हाउ मेनी राउंड डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच दी कपेरकर कॉन्स्टेंट बहुत आसान है आप जिस वर्ष में जमने थे उसके कितने राउंड करने पे आप कपेरकर कॉन्स्टेंट पे पहुंचोगे तो भाई कपेरकर कॉन्स्टेंट क्या था कपरेकर कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कपरेकर कांस्टेंट ये कहता है कि अगर आप कोई भी चार डिजिट लेते हो उस चार डिजिट से उसके लार्जर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हो फिर उनको माइनस करते हो ठीक है और आप फिर जो उसका आंसर है इसी स्टेप को बार बार फॉलो करते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो आंसर है वो सिक्स वन सेवन फोर होगा क्या आएगा सिक्स वन सेवन फोर होगा और यही है कप्रेकर कांस्टेंट तो मेरा जन्म हुआ था नाइनटीन नाइन्टी एट में है कि नहीं अगर मैं इसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाता हूँ तो ये बनेगा लार्जेस्ट नाइन नाइन एट वन और स्मॉलेस्ट बनेगा वन एट नाइन नाइन अब मैं इसको माइनस करता रहूंगा तब तक जब तक मेरा कपड़े कर कॉन्स्टेंट ना आ जाता जैसे कि माइनस करने पर इसमें कितना आएगा तो ये हो जाना है ग्यारह ग्यारह में से नौ बचा दो ये हो जाएगा सात क्योंकि हासिल दिया है और ये नौ से जाएगा नहीं तो ये भी हासिल लेगा ये हो योग्य आठ गया सत्रह सत्रह में से नौ गठ बजता है आठ आठ में से आठ बचेगा जीरो नौ में से एक गया आठ ठीक है अब ये मेरा क्या नंबर हो गया नंबर हो गया मेरा एट जीरो एट सेवन अब मुझे प्रेस के लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बनाने और फिर मुझे माइनस करना है और मुझे ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहना है जब तक मेरा कपड़े कर कॉन्स्टेंट नहीं बन जाता ठीक है चलो तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन थ्री क्या कह रहा है वी आर द ग्रुप ऑफ फाइव डिजिट नंबर बिटवीन थर्टी फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सच दैटिट आर ऑड वी सॉरी हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन आर ग्रुप हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन आर ग्रुप हु अमंगस इज क्लोज टू फिफ्टी थाउजेंड बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हम पाँच डिजिट्स के नंबर का क्या है समूह है ठीक है और हम पैंतीस हज़ार से पचहत्तर हज़ार के बीच में पढ़ते हैं हमारी सारे डिजिट और हैं क्या कह रहा है हमारी सारे डिजिट और हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिजिट्स कौन सी होती हैं और डिजिट होती है मेरी वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये पाँच होती है मेरी डिजिट्स क्या होती हैं ये पांच होती हैं मेरी क्या ऑड डिजिट्स मतलब अब मुझे पता है नंबर कैसे बनने वाले हैं ठीक तो चलो बना लेते हैं तो मुझे इनसे नंबर बनाने हैं पैंतीस हजार से पचहत्तर हजार के बीच में तो थ्री फाइव पहले लगा दो क्योंकि पैंतीस से पचहत्तर के बीच में बनाने हैं ठीक अब इसमें कोई भी नंबर उठा लो जो कि आपकी इच्छा हो एक सात नौ कर लो या फिर पैंतीस करके एक आ, क्या है नौ सात कर लो ठीक कैसे भी कर सकते हो ठीक है चलो अच्छा आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते क्या कह रहा है फिलहाल हमको ये तो पता चल गया ना कि कौन से डिजिट का यूज़ करके नंबर बनाना है ये पता चल गया अब आते हैं क्वेश्चन पर तो क्या कह रहा है हु इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन आर ग्रुप हमारे ग्रुप में लार्जेस्ट नंबर क्या है अच्छा और सबसे छोटा नंबर क्या है तो भाई हमको पता है हमको वन थ्री फाइव सेवन नाइन इन डिजिट्स का यूज करना है ठीक है तो चलो कोई बात नहीं इनसे बड़ा डिजिट बना लो और वो पचहत्तर हजार से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है ना पैंतीस से पचहत्तर के बीच में मतलब आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो भी बनाना है वो पैंतीस से पचहत्तर के बीच में होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर बना लेते हैं तो पैंतीस हजार है पैंतीस हजार से स्टार्ट है मतलब इसके बाद का जो भी नंबर अगर आएगा अगला वो क्या होगा सबसे छोटा होगा तो सबसे पहले थ्री फाइव लेके पैंतीस बना लो अच्छा अब स्मॉलेस्ट डिजिट उठाओ और लगा दो तो एक सात नौ ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट ये बन गया तैयार है स्मॉलेस्ट क्या है स्मॉलेस्ट ठीक है चलो लार्जेस्ट बना लेते हैं लार्जेस्ट पचहत्तर हज़ार से क्या होना चाहिए पचहत्तर हजार से छोटा होना चाहिए ठीक तो मेरे डिजिट से वन थ्री फाइव सेवन नाइन अच्छा सेवन फाइव है लेकिन मैं सेवन फाइव ले नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने सेवन फाइव लेकर नंबर बनाया तो ये मेरा बन जाएगा क्या पचहत्तर हजार से ज़्यादा जो कि गड़बड़ है मुझे तो कम चाहिए तो पचहत्तर से कम क्या होता है सेवेंटी फोर थाउजेंड क्या मैं सेवेंटी फोर थाउजेंड बना सकता हूँ नहीं क्यों क्योंकि फोर तो है ही नहीं यहाँ पे तो अब क्या बन सकता है सेवेंटी थ्री थाउजेंड ही बनेगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड ही बनने वाला है चलो अब आपको क्या करना है बड़े नंबर उठाने सॉरी बड़े डिजिट उठाने तो अगला जगह पर नौ अगला जगह आपका पाँच और आखिरी आ जाएगा आपको एक यानी कि आपको मिल गया लार्जेस्ट नंबर भी ठीक है और लार्जेस्ट क्या है? ये सेवेंटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी वन ठीक तो हमने इस क्वेश्चन में थर्टी फाइव थाउजेंड और सेवेंटी फाइव थाउजेंड के बीच में आने वाले लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढ लिया है और इसके साइड डिजिट क्या है ऑड है ठीक तो क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया मेरा अच्छा अगला क्या कह रहा है कि पचास हजार के करीब कौन सा नंबर है पचास हज़ार के सबसे करीब कौन सा नंबर है तो भाई डिजिट्स क्या थी फिर से लिख लो एक तीन पाँच सात नौ तो अब मुझे इन डिजिट्स का यूज़ करके ऐसे नंबर को बनाना है जो कि पचास हज़ार के बहुत ज़्यादा करीब हो ठीक है तो पचास हज़ार से ज़्यादा मतलब पचास हज़ार से बड़ा और छोटा दोनों बना लेते हैं ठीक है तो पहले तो पचास हज़ार से बड़ा बना लेते हैं तो उसके लिए पहला नंबर पचास यानी कि पाँच होना चाहिए तो ये ले लिया मैंने ठीक चलो अब क्योंकि मैं आ, बड़ा बना रहा हूँ तो मुझे बड़े डिस उठाने होंगे तो ले लो नहीं, नहीं बड़े नहीं बड़े नहीं एक काम करते हैं छोटे उठा लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा करीब होंगे बड़े बनाऊंगा तो पचास हज़ार से दूर हो जाएगा छोटे उठा लो तो पाँच एक तीन सात नौ ठीक है ये इक्यावन हज़ार तीन सौ क्या है उन्यासी चलो अब पचास हज़ार से पहले वाले बना लेते तो एक तीन पाँच सात नौ अगर मैं पचास हज़ार से पिछले उसके आगे का नंबर उठाता हूँ तो पचास हजार तो पाँच ले नहीं सकता चार तो है नहीं चालीस हज़ार बनाने के लिए तीन ही हुआ तो तीन और फिर आ जाएगा पाँच नई ठीक है आंसर वही है आंसर वही है आंसर वही है आंसर वही है यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना आंसर आपका यही आएगा ये यह वाला फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन यही आपका आंसर आने वाला है ठीक है ठीक है यही वाला आंसर आने वाला है सीधा सीधा आंसर है फालतू मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया चलो क्वेश्चन फोर पे आते क्या कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स फेस्टिवल एंड वेकेशंस दैन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट अच्छा एक चीज एक चीज देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ करे ना तो आप लोग ना मेरे कम्युनिटी पोस्ट के नीचे जाके किसी भी कम्युनिटी जो भी मैंने पोस्ट डाल रखी है उसके नीचे कमेंट कर दिया करो ठीक क्योंकि देखो मैं ना ये चैप्टर आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि आपने क्लास फिफ्थ में जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको अच्छे से क्या है याद है ठीक क्योंकि क्लास तो फेफ्थ के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो बड़े नंबर और छोटे नंबर होते हैं ना लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल डिस्क के उनको बनाना और उसको सॉल्व करना मैंने अच्छे से आपको सिखाया था ठीक तो मैं वही मान के चल रहा हूँ कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी आती है अगर नहीं आती है अगर आपको एकदम बेसिक से बेसिक चाहिए तो भाई बता दिया करो ठीक है क्योंकि फिर ना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है तो अगर कोई इशू हो इस चैप्टर को लेकर तो आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट में बता सकते हो वैसे है वो पूरा चैप्टर मतलब जो पूरा चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा ईजी कोई डिफिकल्टी नहीं है बस थोड़ा बहुत बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए बड़े आराम से आप कर सकते हो ठीक है चलो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट के नीचे जाके बता दो मैं आपको कमेंट में कोशिश करूंगा क्वेश्चन ऐसे समझाने की अगर इन केस नहीं भी समझा पाता हूं तो मैं कोई आ, किस दिन जिस दिन भी टाइम मिलेगा आपके लिए अलग से वीडियो बना के आप लोग को समझा लिया करूंगा ठीक चलिए अच्छा क्वेश्चन थी तो समझ में आ गया क्वेश्चन थी समझ में आ गया मैंने कैसे करा कि नहीं करा एक काम करता हूँ क्वेश्चन थी ना मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना ये मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रश में आपको समझ पढ़ा दिया है ठीक है चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा था थ्री ये कह रहा था कि भाई नंबर आपको पैंतीस हज़ार पचहत्तर हज़ार के बीच में बनाने हैं ये सारे नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं सारे के सारे ऑड हैं मतलब इवन डिजिट्स आपको इसके लिए चुनने ही नहीं है तो ऑड डिजिट मेरे क्या होते हैं एक होता है तीन होता है सात होता है सॉरी पाँच आएगा इसके बाद में फिर सात होता है नौ होता है और एन डिजिट्स का यूज़ करके मैंने नंबर्स को बनाया है ठीक है अब ये कह रहा था कि ऐसे नंबर को बनाओ जो कि पचास हजार के करीब हो तो पचास हजार फाइव से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा तो इसके लिए मैंने क्या करा पहले फाइव ले लिया अब मैंने क्या करा अब मैंने इसमें सबसे छोटे ड्रीज को उठाया और उनको पाए लगा दिया तो एक छोटा हुआ हुआ आ गया फिर तीन ये आ गया फिर सात ये आ गया और फिर नौ ये आ गया तो मैं नंबर क्या बन गया नंबर बन गया इक्यावन हजार तीन सौ उन्यासी और यही इसका आंसर क्या हो गया आंसर हो गया यही है सबसे करीब पचास हजार के ठीक समझिए इसको मैंने कैसे करा ठीक है ना चलिए क्वेश्चन फोर पर आते हैं क्या कह क्लिक है एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड फेस्टिवल एंड वेकेशन देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आप सभी तो लोग एक्सपर्ट हो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पहले तो अंदाजा लगाना है कि आपको एक वर्ष के अंदर कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं <laughs> फिर आपको क्या करना है फिर आपको कैलेंडर देख के पता करना हो कि एग्जैक्ट आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं पता है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ना छुट्टियाँ काउंट कर लिया कर देते थे, थे कि अच्छा संडे इतने आ रहे हैं अच्छा बावन संडे आ रहे हैं अच्छा इतने बीच में ये छुट्टियाँ पड़ रही हैं हम लोग पूरा काउंट करके रखते थे कि हाँ साल में इतनी छुट्टियाँ हमको मिलने वाली हैं ठीक है चलो अगर आप लोग ने नहीं किया तो बहुत ही अच्छा आप लोग को एक मौका मिला है अपनी छुट्टियों को गिनने का ठीक है तो बिन शर्मा गिन डालो कितनी छुट्टियाँ हैं अच्छा पहले एस्टिमेट करने की कोशिश करना मतलब पहले अंदाजा मारने की कोशिश करना फिर देख के कैलेंडर देख के गिनना ठीक चलो क्वेश्चन फाइव पे आते हैं क्या कह रहा है एस्टिमेट द लीटर ऑफ सॉरी एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स आ मग a बकेट एंड एंड ओवर tank टैंक कैन होल्ड अंदाज़ा लगाना है कि कोई भी आपके घर में कोई मग है कोई भी जग है उसमें कोई भी बाल्टी है उसमें और कोई भी जो टंकी लग रखी है आपकी छत पे उसके अंदर कितना लीटर पानी आता होगा ठीक पहले अंदाजा लगाओ फिर टेस्ट नहीं रुको 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 लीटर तो आपके पास होगा नहीं अंदाजा लगा के छोड़ दो ठीक है टेस्ट करने की जरूरत नहीं अंदाजा लगा के छोड़ दो क्योंकि फिर पानी कितने लीटर उसको नापने के लिए आपको मीटर की जरूरत पड़ेगी जो कि खर्चा अर्चा बहुत होगा रहने दो तो छोड़ो चलो क्वेश्चन सिक्स पर आते हैं क्या कह रहे हैं राइट वन फाइव डिजिट नंबर एंड टू थ्री डिजिट नंबर सच दैट दियर समीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्यों क्योंकि इसमें आपकी पूरी कंप्लीट फ्रीडम है जो नंबर चाहे वो नंबर लिखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको पाँच डिजिट का एक नंबर लेना है और तीन डिजिट के दो नंबर लेने हैं ऐसे कि इनका जो एड है यानी इनका जो है वो अट्ठारह हजार छः सौ सत्तर आ जाए कितना अट्ठारह हजार छः सौ सत्तर बड़ा ही आसान है क्यों आसान है अभी बताता हूँ एक काम करो पहले ना तीन डिजिट के नंबर ले लो तो एक नंबर उठा लो सौ ठीक है एक नंबर उठा लो दूसरा उठा लो क्या उठा ले बताओ दूसरा एक सौ सत्तर लेते हैं अच्छा सौ एक सौ सत्तर चला गया सौ एक सौ सत्तर चला गया अब सोचो मैं पाँच डिजिट का कौन सा नंबर ले सकता हूँ तो सौ छः सौ में से सौ घटा दो बचा पाँच सौ सत्तर और एक सौ सत्तर और घटा दो तो छः सौ पाँच सौ सत्तर तो सत्तर तो बचा और बचा चार सौ तो यहाँ ले लो अट्ठारह हज़ार चार सौ लो खत्म कहानी और तीनों का ऐड करो यही आपका आंसर आएगा ठीक है अच्छा चलो अगर इससे भी ईजी चाहिए तो एक काम करो पाँच डिजिट का नंबर उठा लो अठारह हज़ार है कि नहीं जीरो जीरो हो गए फिर तो खूब सारे अच्छा तीन सौ सत्तर छह सौ सत्तर को दो तो भागों में बांट लो एक कर लो तीन सौ और एक कर लो तीन सो सत्तर ये लो, इसको भी ऐड कर लो तब भी उतना ही आएगा अठारह हजार छह सौ सत्तर है कि नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पता है इसलिए इजी होते हैं इसमें आपके पास में पूरी फ्रीडम है जो नंबर चाहे वो उठाओ ऐड करो बस ये कंडीशन मैट होनी चाहिए तो ये देखो क्या ये पांच डिजिट का था बिल्कुल है क्या ये दोनों तीन तीन डिजिट के हैं बिल्कुल हैं लो कंडीशन भी मेट और आंसर भी आ गया है कि नहीं अच्छा अगर आप लोग चाहो तो कि और नंबर्स को पिक कर सकते हो आपकी इच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन पर आता है क्या कह रहा है चूज अ नंबर बिटवीन टू हंड्रेड टेन एंड थ्री हंड्रेड नाइनटी क्रिएट अंबर पैटर्न सिमिलर टू दो शोन इन सेक्शन थ्री पॉइंट नाइन दैट विल टू दिस नंबर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है कि अगर दो सो दस से तीन सौ नब्बे के बीच में आपको कोई भी नंबर चुन लेना है तीन सौ चुन लेना ठीक थ्री हंड्रेड अब आपको क्या करना है आपको सेक्शन थ्री पॉइंट नाइन में जो पैटर्न देखा हुआ है वैसा ही पैटर्न आपको इसमें बनाना है अच्छा थ्री पॉइंट नाइन का पैटर्न कौन सा मैं बता देता हूँ थ्री पॉइंट नाइन में जो पैटर्न है ना वो एडिशन वाला है ठीक जिसमें आपको टेंस की वैल्यू वाले नंबर्स को लेना है और वो क्या होने चाहिए सिमिलर यानी कि एक से होने चाहिए और उनको ऐड करने पे जो ये आपका आंसर है ये आना चाहिए ठीक है तो आप कोई भी एक से नंबर ले सकते हो एक से दिखने वाले और उनको ऐड करके तीन सौ तक ला सकते हो ठीक चलो क्वेश्चन एट पे आते हैं बहुत आसान है कोई भी नंबर उठा लेना सेवन वाले में टेंस टेंस वाली वैल्यू वाल लेना जो कि दस दस में हो या फिर सौ में भी सौ में मत लेना सौ में बहुत बड़े हो जाएंगे टेंस की वैल्यूम लेना और कर लेना इसको ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं क्या कह रहे हैं कॉल द सीक्वेंस of पावर ऑफ टू फ्रॉम चैप्टर वन टेबल वाई इज द कोल्स conjecture correct for all of the starting numbers in this sequence? अच्छा ठीक है देखो ये क्वेश्चन भी मेरा काफी ज्यादा आसान है लेकिन इसके लिए ना आपको चैप्टर वन में जो सीक्वेंस ऑफ टू है वो याद होना चाहिए तो सीक्वेंस ऑफ टू क्या था याद है कि भूल गए बताओ सीक्वेंस ऑफ टू क्या था आप लोगों को सीक्वेंस ऑफ टू याद है कि भूल गए सीक्वेंस ऑफ टू या फिर पावर ऑफ टू मेरा क्या था कोई भी नंबर है उसको डबल करते थे याद है कि भूल गए बताओ याद है कि भूल गए अगर भूल गए तो बहुत गलत बात है भाई आप लोग को पावर ऑफ टू याद होना चाहिए तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है भाई मान लो कोई भी एक मैंने नंबर ले लिया जैसे कि मैं ले, ले लिया तीन तब इसमें अगर मैं पावर ऑफ टू करता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा तीन इंटू तीन दो बार करना पड़ेगा और थ्री थ्री जो नाइन जी इसका आंसर आएगा ठीक है कोई भी नंबर है वो मान लो ले लिया मैंने फाइव तो आपका फाइव दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका आंसर लिखना पड़ेगा ऐसे पच्चीस ठीक है तो ये है आपका पावर ऑफ टू ये है आपका पावर ऑफ टू वाला सीक्वेंस ठीक है अच्छा अब ये कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है मेरा पावर ऑफ टू वाला चैप्टर वन से इसके लिए ये जो कोलार्ज कंजक्चर है ये सभी स्टार्टिंग नंबर्स के लिए सही क्यों है क्यों है सही क्योंकि भाई देखो पावर ऑफ टू में हम क्या कर रहे हैं कोई एक नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बना रहे कि नहीं बना रहे है कि नहीं अच्छा अब अगर इस नंबर को मैं कोलार्स पैटर्न की सॉरी कोलार्स कंजक्चर की तरह तोड़ना स्टार्ट करूंगा तो एंड में आप देखोगे कि भाई इसके भी एंड में क्या आ रहा है टू आ रहा है क्योंकि बाद में वन बन जाएगा ठीक तो कोलार्स कंजक्चर पावर ऑफ टू के सीक्वेंस के लिए सही क्यों है करेक्ट क्यों है क्योंकि भाई अगर आप किसी भी पावर ऑफ टू के किसी भी नंबर को उठा लेते हो और उसको इस कोलार्स कंजक्चर के थ्रू तोड़ना स्टार्ट करते हो तो आपको इवेंचुअली वन मिलने ही मिलने वाला है है कि नहीं और कोलार्स कंजक्चर क्या कह रहा था भाई कोला कंजक्चर क्या है याद है कि भूल गए कोलार्स कंजक्चर क्या कहता है कि अगर मेरा कोई भी नंबर ऑड है तो उसमें मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस वन कर दो आंसर ई वन आएगा फिर उस ई वन के दो टुकड़े कर दो मतलब उनको आधा आधा बांट दो और ऐसा तब तक करते रहो जब तक आपका आंसर वन नहीं आ जाता यही तो बोलता है कोलार्स कंजक्चर की नहीं बोलता है बताओ क्या मेरा कोलार्स कंजक्चर ये बोलता है कि नहीं बोलता है बोलता है ना बस यही चीज क्वेश्चन नंबर एट में दे रखी हुई है क्वेश्चन नाइन क्या कह रहा चेक है चेक इफ दी कोलार्स कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर हंड्रेड स्टार्टिंग नंबर मेरा हंड्रेड है क्या इसके लिए कोलार्स कंजक्चर मेरा होगा कि नहीं होगा चलो कर लेते तो सौ मेरा इवन नंबर है टू से टू का मल्टीपल है इसका हाफ कल हो जाता है पचास पचास का हाफ कल हो जाता है फिफ्टी ये भी इवन है इसका आधा कर लिया सॉरी oh, हो गया ट्वेंटी फाइव नॉट फिफ्टी इट्स ट्वेंटी फाइव अच्छा ट्वेंटी फाइव क्या है और नंबर है और नंबर में हमको क्या करना है उसको तीन से मल्टीप्लाई प्लस वन तो अगर पच्चीस को मैं तीन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पच्चीस तियाँ होता है पचहत्तर और एक जोड़ हो जाएगा सेवेंटी सिक्स क्या हो जाएगा सेवनटी सिक्स अब सेवनटी सिक्स को आधा कर दो तो सत्तर का आधा होता है पैंतीस और छः का आधा होता है तीन तो पैंतीस प्लस तीन होता है थर्टी एट थर्टी एट ईवन नंबर है इसका आधा कर दो तो पंद्रह और चार उन्नीस उन्नीस क्या हो गया हो गया इसमें भी मल्टीप्लाइड बाई तीन कर दो तो उन्नीस में तीन से गुणा कर दो तो उन्नीस 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 तीस सत्ताईस नहीं 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 सॉरे सॉरी सॉरी साठ और तीन सत्तावन फिफ्टी सेवन प्लस एट फिफ्टी एट आएगा बताओ नाइनटीन की टेबल नहीं आती मुझे <laughs> चलो फिफ्टी का आधा कर लेते तो फिफ्टी का आधा क्या होगा पचास का आधा हो गया पच्चीस चार तो पच्चीस और चार होता है उनतीस ट्वेंटी नाइन हो गया है तो फिर इसमें मल्टीप्लाइड बाय थ्री कर दो तो थर्टी ले लो इसको उसको तीन से कर दो हो गया नब्बे तीन घटा लो तो नब्बे में तीन घटा लो हो जाता है एटी सेवन प्लस वन करोगे हो जाएगा एटी एट एटी एट का आधा होता है फोर्टी फोर फोर्टी फोर का आधा होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का आधा होता है इलेवन इलेवन फिर से ऑर्ड हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई करो तीन से तो ये हो जाएगा थर्टी थ्री प्लस वन थर्टी फोर ये तो बड़ा लंबा जा रहा है भाई फिर थर्टी फोर का आधा होता है सत्रह सत्रह का फिर से तीन बार करो तो सत्रह तो इक्कीस और तीस तो होता है इक्यावन और 52, 52. 52 तो तो एक बावन फिफ्टी टू फिफ्टी टू का हाफ कर दो पच्चीस प्लस एक छब्बीस अब आ जा करते हैं अरे बापरे तो बहुत लंबा जा रहा है ये तो बहुत लंबा जा रहा है पूरा पन्ना भर जाएगा तब भी नहीं आएगा इसका आंसर चलो फिलहाल इसको आप ऐसे ही कंटिन्यू करना जब तक तो आपका वन नहीं आ जाता ठीक है <laughs> इतना लंबा मैं नहीं करने बैठा चलो क्वेश्चन टेन पे आते हैं क्वेश्चन नाइन को भूल जाओ मैं उसको नहीं करने वाला बहुत लंबा है टाइम बर्बाद हो जाएगा आधा घंटा इसमें चला जाएगा चलो स्टार्टिंग विध जीरो प्लेयर्स अल्टरनेटली एड नंबर बिटवीन वन टू थर्टी दी फर्स्ट दी फर्स्ट पर्सन टू रीच ट्वेंटी टू वेन्स वॉट इज द विनिंग स्ट्रैटेजी नाउ क्या कह रहा है जीरो से स्टार्ट करके प्लेयर जो है वो एक से तीन के बीच में नंबर को ऐड करेगा और जिस व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति पहले बाईस तक पहुंचेगा वो जीतेगा ठीक वही जो मेरा गेम नहीं था उसी का दूसरा वजन है उसमें इक्कीस था इसमें बाईस है ठीक है तो वही बहुत ईजी है अपने फ्रेंड के साथ में इस गेम को खेल सकते हो एक व्यक्ति बोलेगा एक से तीन तक के नंबर दूसरा व्यक्ति कोई और नंबर बोलेगा एक से तीन तक के फिर आपको दोनों क्या करना है ऐड करना है और ये गेम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक फाइनल आंसर आपका बाइस नहीं आ जाता जिसका बाइस आ जाए वो जीत जाएगा है, है कि नहीं चलो तो ये हो गया मेरा पूरा चैप्टर फिनिश ठीक है ये था चैप्टर का अंत उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा देखो चैप्टर बहुत इजी है सही बताऊँ तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है हाँ बीच बीच में हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो बट ओवरऑल मेरे हिसाब से तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है एक घंटे के अंदर आसानी से खत्म होने वाला ये चैप्टर है चलिए अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके नीचे जाके किसी भी पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार